मार्केटिंग मैनेजमेंट समझना। चैप्टर एक, नए हालात के लिए मार्केटिंग को डिफाइन करना। इस चैप्टर में हम इन सवालों को देखेंगे। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? मार्केटिंग की स्कोप क्या है? कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? कौन सी फोर्सेस नई मार्केटिंग रियलिटीज डिफाइन कर रही हैं? इन फोर्सेस ने कंज्यूमर्स और कंपनीज को क्या नई कैपेबिलिटीज दी हैं? होलिस्टिक मार्केटिंग फिलॉसफी में क्या शामिल होता है? सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए क्या टास्क जरूरी हैं? यूनिलेवर पूरी तरह से बदल रहा है कि वो कैसे अपनी मार्केटिंग करते हैं, डेवलपिंग मार्केट्स पर ज्यादा ध्यान देते हुए। औपचारिक हो या अनौपचारिक, लोग और ऑर्गेनाइजेशंस काफी सारी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं जिसे हम मार्केटिंग कह सकते हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन और बिजनेस एनवायरनमेंट में दूसरे मेजर बदलावों के चलते आज अच्छी मार्केटिंग बेहद महत्वपूर्ण है और एकदम नई है। यूनिलेवर को ही देखो। सुपरस्क्रिप्ट 1। XPG मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पॉल पोलमैन और मार्केटिंग विद कीथ वीट की लीडरशिप में यूनिलेवर एक एग्रेसिव नई डायरेक्शन में बढ़ रही है। उनका नया मार्केटिंग मॉडल क्राफ्टिंग ब्रेड्स फॉर लाइफ हर ब्रांड के लिए सोशल, इकोनॉमिक और प्रोडक्ट मिशंस बनाता है। इसमें डव, बेन जेरीज, लाइफ बॉय और नो जैसे ब्रेड्स शामिल हैं। पोलमैन कहते हैं, मेरा एक विजन है कि हमारे सारे ब्रेड्स अच्छाई के लिए काम करे, प्रत्येक के 1 बिलियन फैंस या उससे अधिक हों बदलाव लाने के लिए। इस मिशन का एक हिस्सा है सस्टेनेबिलिटी, खासकर रेवेन्यूज को डबल करते हुए अपना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आधा करना। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए यूनिलेवर का लक्ष्य है मैजिक और लॉजिक में एक बैलेंस बनाए रखना, मार्केटिंग ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर्स को डबल करना और एड रिसर्च पर जोर देना। डिजिटल वर्ल्ड को बेहतर समझने के लिए CMO वी 26 टॉप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को सिलिकॉन वैली लेकर गए गूगल, फेसबुक और का दौरा करने के लिए और फिर इसी तरह के एक ग्रुप को हॉलीवुड एग्जीक्यूटिव्स के पास डिज्नी और यूनिवर्सल में। यूनिलेवर ने डेवलपिंग और इमर्जिंग DE मार्केट्स पर बड़ी उम्मीदें लगाई हैं, यह सोचते हुए कि वो चीन में 15-20% सालाना बढ़ेंगे और 2020 तक 70-75% बिजनेस DE मार्केट से आएगा। कंपनी ने रिवर्स इनोवेशन भी अपनाया है जिसमें डेवलपिंग मार्केट्स के ब्रांडिंग और पैकेजिंग इनोवेशन को रिसेशन से जूझ रहे डेवलप्ड मार्केट्स में लागू कर रहे हैं। उदाहरण, स्पेन में अब सर्फ डिटर्जेंट 5 पैक्स में बिकता है, ग्रीस में छोटे पैकेट्स में मैश्ड पोटेटोज और मेयोनेज मिलता है। अच्छी मार्केटिंग कोई हादसा नहीं है, यह एक आर्ट भी है और साइंस भी, और यह केयरफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से आती है जिसमें हम स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस किताब में हम बताते हैं कि कैसे अच्छे मार्केटर्स क्लासिक प्रैक्टिसेस को अपडेट कर रहे हैं और नए तरीके बना रहे हैं क्रिएटिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस खोजने के लिए इन नई मार्केटिंग रियलिटीज के लिए। इस पहले चैप्टर में हम अपने लिए एक आधार बनाते हैं ये देखते हुए कि इम्पोर्टेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, टूल्स, फ्रेमवर्क्स और इश्यूज क्या हैं। मार्केटिंग की वैल्यू। फाइनेंस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग और बाकी बिजनेस फंक्शंस के ज्यादा मायने नहीं है अगर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए लोगों की मांग ना हो कि कंपनी प्रॉफिट बना सके। मतलब बॉटम लाइन के लिए टॉप लाइन होना जरूरी है, इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस कई बार मार्केटिंग की काबिलियत पर डिपेंड करती है। मार्केटिंग की वैल्यू पूरी सोसाइटी तक जाती है। इसने नए और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स लाने में मदद की है जो लोगों के जीवन को आसान और बेहतर बनाते हैं। सक्सेसफुल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए डिमांड बनाती है जिससे जॉब्स पैदा होती हैं। बॉटम लाइन पर योगदान देकर सक्सेसफुल मार्केटिंग कंपनीज को और ज्यादा बढ़कर सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज में शामिल होने देती है। सुपरस्क्रिप्ट 2, मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग। CEOs समझते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग ब्रेड्स और लॉयल कस्टमर बेस बनाती है। ये इंटेंजिबल एसेट्स एक फर्म की वैल्यू में बहुत बड़ा रोल निभाती है। आजकल कई फर्म्स, यहां तक कि सर्विस और नॉन प्रॉफिट वाले के पास भी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर CMO होता है जो मार्केटिंग को बाकी सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO के बराबर महत्व दे। इंटरनेट के इस युग में जहां कंज्यूमर्स, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक फोर्सेस झट से बदलते हैं और नतीजे तेजी से सामने आते हैं, मार्केटर्स को फीचर्स, प्राइसेस और मार्केट्स चुनने पड़ते हैं और यह सोचना पड़ता है कि एडवर्टाइजिंग, सेल्स और ऑनलाइन और मोबाइल मार्केटिंग पर कितना खर्च करना है। वहीं इकोनॉमिक डाउनटर्न जो दुनिया भर में 2008 में शुरू हुआ था और उसके बाद धीमी रिकवरी
बजट कट्स लेकर आई है और हर मार्केटिंग डॉलर को ठीक से सोच समझकर खर्च करने का दबाव बढ़ गया है। मार्केटिंग में गलती की गुंजाइश कम है। कुछ समय पहले ही माइस्पेस, याहू, ब्लॉकबस्टर और बार्न्स & नोबल अपनी इंडस्ट्रीज में पसंद किए जाने वाले लीडर्स थे, लेकिन देखो कुछ साल कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन ब्रद्स में से प्रत्येक को एक नई चुनौती देने वाली कंपनी ने पीछे छोड़ दिया है, फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स और अमेज़न, और अब ये कई बार बस बचने के लिए संघर्ष करते हैं। फर्म्स को लगातार आगे बढ़ना ही है। सबसे ज्यादा खतरा उनको है जो अपने कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स को ठीक से मॉनिटर नहीं करते, लगातार अपने वैल्यू ऑफरिंग्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बेहतर नहीं करते, या इस दौरान अपने एम्प्लॉयज, स्टॉक होल्डर्स, सप्लायर्स और चैनल पार्टनर्स को खुश नहीं कर पाते। विनिंग मार्केटिंग। अच्छी मार्केटिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन कुछ बिजनेसेस इन बदलते वक्त में ढल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस को ही देखो, बाकी टॉप मार्केटर्स भी यही कर रहे हैं। एक वेबली कैंपेन चलाकर BMW ने अपनी एक सीरीज गाड़ी के लिए $110 मिलियन रेवेन्यू का गेन किया। 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने 5 टीजर कैंपेन देखा और 20,000 लोगों ने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी। BMW ने इन्फ्लुएंशियल ब्लॉगर्स को भी टारगेट किया और सोशल मीडिया से मिला फीडबैक इस्तेमाल किया स्टाइलिंग और सेल्स फोरकास्ट के लिए। यहां तक कि बिजनेस टू बिजनेस B2B फर्म्स भी इसमें आ रहे हैं। कॉर्निंग ने पायरेक्स कुकवेयर बेचने वाली कंपनी से आगे बढ़कर हाईली इंजीनियर्ड स्पेशलिटी ग्लास और सेरामिक प्रोडक्ट्स बनाने में संघर्ष किया। पायरेक्स बिजनेस उन्होंने एक दशक पहले ही बेच दिया था। वॉल स्ट्रीट पर एक ऐसी कंपनी की छवि बनाने के लिए जिसके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है, कॉर्निंग ने एक यूट्यूब वीडियो बनाया, अ डे मेड ऑफ ग्लास, मेड पॉसिबल बाय कॉर्निंग। ये थोड़ा लंबा था लेकिन बहुत खूबसूरती से बना और 3 हफ्तों में ही मिलियन से ज्यादा व्यूज हो गए। इसने जो सोशल कॉन्वर्सेशन पैदा की उसमें ग्लास, प्रोडक्ट टफनेस और भविष्य के लिए आशा के बारे में बातें थीं, बिल्कुल वही जो कॉर्निंग चाहता था। वेबली कैंपेन इस्तेमाल करके BMW ने अपनी एक सीरीज के लिए $110 मिलियन का रेवेन्यू बढ़ाया। 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने 5 वीडियो टीजर कैंपेन देखा और 20,000 लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया। BMW ने इन्फ्लुएंशियल ब्लॉगर्स को भी टारगेट किया और सोशल मीडिया से मिले फीडबैक को स्टाइलिंग और सेल्स फोरकास्ट में इस्तेमाल किया। यहां तक कि बिजनेस टू बिजनेस फर्म्स भी इस काम में शामिल हो रही हैं। कॉर्निंग को पायरेक्स कुकवेयर बेचने वाली कंपनी के तौर पर अपनी छवि बदलने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, एक ऐसा बिजनेस जो उसने 10 साल पहले ही बेच दिया था। अब वो हाईली इंजीनियर्ड स्पेशलिटी ग्लास और सेरामिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वॉल स्ट्रीट पर अपनी छवि को एक ऐसी कंपनी के तौर पर बदलने के लिए जिसके पास बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है, कॉर्निंग ने एक यूट्यूब वीडियो बनाया जिसका नाम है अ डे मेड ऑफ ग्लास, मेड पॉसिबल बाय कॉर्निंग। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। 3 हफ्तों के अंदर इसने मिलियन से ज्यादा व्यूज पा लिए। इस वीडियो से जो सोशल कन्वर्सेशन हुआ उसमें ज्यादातर ग्लास, प्रोडक्ट की मजबूती और भविष्य के लिए उम्मीद जैसे विषय शामिल थे, बिल्कुल वही जो कॉर्निंग चाहता था। मार्केटर होने के लिए आपको समझना होगा कि मार्केटिंग क्या है, ये कैसे काम करती है, कौन इसे करता है और क्या इसकी मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग का मतलब है इंसानी और सामाजिक जरूरतों को पहचानना और उन्हें पूरा करना। मार्केटिंग की सबसे अच्छी और छोटी परिभाषाओं में से एक है जरूरतों को मुनाफे के साथ पूरा करना। जब गूगल ने ये देखा कि लोगों को इंटरनेट पर इन्फॉर्मेशन को ढंग से ढूंढने की जरूरत है, तो इसने एक बहुत बढ़िया सर्च इंजन बनाया। जब आइकिया ने देखा कि लोग कम दाम में अच्छे फर्नीचर चाहते हैं, तो इसने नॉकडाउन फर्नीचर की शुरुआत की। इन दोनों कंपनियों ने बढ़िया मार्केटिंग समझ दिखाई और एक व्यक्तिगत या सामाजिक जरूरत को मुनाफे वाले बिजनेस में बदल दिया। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ये ऑफिशियल डेफिनेशन देता है, मार्केटिंग वो गतिविधि, संस्थाओं का समूह और प्रोसेसेस हैं जिनसे उन चीजों को बनाया, बताया, पहुंचाया और एक्सचेंज किया जाता है जो कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स और पूरे समाज के लिए मूल्यवान हों। इस एक्सचेंज प्रोसेस को संभालने के लिए काफी मेहनत और हुनर की आवश्यकता होती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट तब सामने आती है जब एक पोटेंशियल एक्सचेंज में कम से कम एक पक्ष दूसरे पक्ष से जो वो चाहता है उसे पाने के तरीकों के बारे में सोचता है। इस तरह हम मार्केटिंग मैनेजमेंट को टारगेट मार्केट्स चुनने और बेहतर कस्टमर वैल्यू बनाने, पहुंचाने और बताने के माध्यम से कस्टमर्स को पाने, बनाए रखने और बढ़ाने की कला और विज्ञान के तौर पर देखते हैं। हम मार्केटिंग की एक सामाजिक और एक मैनेजरियल परिभाषा में अंतर कर सकते हैं।
एक सामाजिक परिभाषा समाज में मार्केटिंग की भूमिका को दिखाती है। उदाहरण के लिए, एक मार्केटर ने कहा है कि मार्केटिंग की भूमिका है जीवन स्तर को ऊंचा करना। यह एक सामाजिक परिभाषा है जो हमारे काम की है। मार्केटिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह अपनी जरूरतों और चाहतों को पूरा करते हैं। वे दूसरों के साथ वैल्यू वाली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाकर, ऑफर करके और उनका आदान प्रदान करके ये काम करते हैं। कंज्यूमर्स के बीच और बिजनेसेस के साथ वैल्यू को मिलजुल कर बनाना और वैल्यू क्रिएशन और शेयरिंग का महत्व मॉडर्न मार्केटिंग की सोच में अहम विषय बन गए हैं। मैनेजर्स कभी कभी मार्केटिंग के बारे में प्रोडक्ट्स को बेचने की कला के तौर पर सोचते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये सुनकर हैरान होते हैं कि सेलिंग मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। सेलिंग तो बस मार्केटिंग की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। पीटर ड्रकर, एक मशहूर मैनेजमेंट थियोरिस्ट, ने इसे इस तरह कहा है, हम मान सकते हैं कि सेलिंग की जरूरत तो हमेशा रहेगी ही, लेकिन मार्केटिंग का लक्ष्य है सेलिंग को जरूरत से ज्यादा बनाना। मार्केटिंग का लक्ष्य है कस्टमर को इतनी अच्छी तरह जानना और समझना कि प्रोडक्ट या सर्विस बिल्कुल उसके हिसाब से हो और खुद बिक जाए। असल में मार्केटिंग के नतीजे में एक ऐसा कस्टमर होना चाहिए जो खरीदने के लिए तैयार हो, फिर बस प्रोडक्ट या सर्विस को उपलब्ध कराने की जरूरत रह जाती है। जब निंटेंडो ने अपना वी गेम सिस्टम बनाया, जब एप्पल ने आईपैड टैबलेट कंप्यूटर निकाला और जब ने अपनी प्राइस हाइब्रिड गाड़ी बनाई, तो इन कंपनीज के पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ गए क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर्स, कंपटीशन और कीमत और मांग पर असर डालने वाली दूसरी चीजों के बारे में सावधानी से मार्केटिंग करके सही प्रोडक्ट बनाए थे। क्या चीजें मार्केट की जाती हैं? मार्केटर्स मुख्य तौर पर 10 तरह की चीजों की मार्केटिंग करते हैं। गुड्स, सर्विसेज, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, पर्संस, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इन्फॉर्मेशन और आइडियाज। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। गुड्स सामान ही ज्यादातर देशों के उत्पादन और मार्केटिंग का मुख्य हिस्सा होता है। हर साल यूएस की कंपनियां अरबों ताजा, डिब्बाबंद, पैक किया हुआ और फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स मार्केट करती हैं। इसके साथ ही लाखों कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन्स, मशीन्स और दूसरी ऐसी चीजें जो एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, भी बेची जाती हैं। सर्विसेज, जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं, उनकी गतिविधियों का बड़ा हिस्सा सर्विसेज के उत्पादन पर केंद्रित हो जाता है। आज यूएस की अर्थव्यवस्था में लगभग 2/3 हिस्सा सर्विसेज का है और 1/3 गुड्स का। सर्विसेज में एयरलाइंस, होटल्स, कार रेंटल फर्म्स, बार्बर्स और ब्यूटिशियंस, मेंटेनेंस और रिपेयर करने वाले लोग और अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का काम शामिल है। बहुत से मार्केट ऑफरिंग्स में गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं, जैसे कि फास्ट फूड का खाना। इवेंट्स मार्केटर्स समय पर आधारित इवेंट्स को प्रमोट करते हैं, जैसे बड़े ट्रेड शोज, कलात्मक परफॉर्मेंसेस और कंपनियों की एनिवर्सरीज। ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जैसे ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स को कंपनीज और फैंस के बीच जोर शोर से प्रमोट किया जाता है। लोकल इवेंट्स में क्राफ्ट फेयर्स, बुकस्टोर रीडिंग्स और फार्मर्स मार्केट्स शामिल होते हैं। एक्सपीरियंसेस, कई सर्विसेज और गुड्स को मिलाकर एक कंपनी एक्सपीरियंसेस बना, तैयार कर और मार्केट कर सकती है। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड का मैजिक किंगडम कस्टमर्स को एक परीलोक, समुद्री डाकू के जहाज या एक भूतिया घर में जाने देता है। अनुभवों को आपकी पसंद के अनुसार भी बनाया जा सकता है, जैसे कि बेसबॉल ग्रेट्स के साथ एक बेसबॉल कैंप में बिताया गया हफ्ता, 4 दिन का रॉक एंड रोल फैंटेसी कैंप और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। पर्संस आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, सीईओएस, फिजिशियंस, बड़े लॉयर्स और फाइनेंसियर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स अक्सर मार्केटर्स से मदद लेते हैं। बहुत से एथलीट्स और एंटरटेनर्स ने खुद की मार्केटिंग में बहुत बढ़िया काम किया, जैसे NFL क्वार्टरबैक पेटन मैनिंग, टॉक शो की दिग्गज ओप्रा विनफ्रे और रॉक एंड रोल के दिग्गज द रोलिंग स्टोन्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट टॉम पेटर्स, जो खुद सेल्फ ब्रांडिंग के उस्ताद हैं, सभी को सलाह देते हैं कि वे एक ब्रांड बने। प्लेसेस, शहर, राज्य, प्रदेश और पूरे देश टूरिस्ट्स, रहने वालों, फैक्ट्रीज और कंपनियों के हेडक्वार्टर्स लाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। प्लेस मार्केटर्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट्स, रियल एस्टेट एजेंसा, कमर्शियल बैंक्स, लोकल बिजनेस एसोसिएशंस और एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस एजेंसीज शामिल होते हैं। लास वेगास कन्वेंशन विजिटर्स अथॉरिटी को अपने व्हाट हैपन्स हियर स्टेज हियर
एड कैंपेन के साथ काफी कामयाबी मिली है, जिसमें लास वेगास को एक अडल्ट प्लेग्राउंड कहा गया है। प्रॉपर्टीज या तो रियल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की अमूर्त अधिकार होती हैं। ये खरीदी और बेची जाती हैं और इस एक्सचेंज के लिए मार्केटिंग की जरूरत होती है। रियल एस्टेट एजेंट्स प्रॉपर्टी ओनर्स या सेलर्स के लिए काम करते हैं या वे रेजिडेंशियल या कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदते और बेचते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनीज और बैंक्स सिक्योरिटीज को इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स दोनों को मार्केट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस म्यूजियम्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस और नॉन प्रॉफिट सभी अपनी पब्लिक इमेज को बढ़ाने और लोगों और फंड्स के लिए मुकाबला करने के लिए मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर CMO का पद बनाया है ताकि एडमिशन ब्रोशर्स और ट्विटर फीड से लेकर ब्रांड स्ट्रेटजी तक हर चीज के जरिए वे अपनी स्कूल की आइडेंटिटी और इमेज को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकें। इन्फॉर्मेशन वही है जो बुक्स, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बनाते, मार्केट करते और पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और कम्युनिटीज को एक कीमत पर देते हैं। बिजनेसेस थॉमसन रॉटर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की दी हुई इन्फॉर्मेशन के आधार पर डिसीजंस लेती हैं। हम इंडस्ट्री एक्सपर्टीज के साथ नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि फाइनेंशियल, लीगल, टैक्स एंड अकाउंटिंग, हेल्थ केयर, साइंस और मीडिया मार्केट्स में बड़े डिसीजन मेकर्स को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे सकें, जिसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से ताकत मिलती है। आइडियाज हर मार्केट ऑफरिंग के साथ एक मूल आइडिया जुड़ा होता है। रेवलॉन के चार्ल्स रेवसन ने एक बार कहा था, फैक्ट्री में हम कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, ड्रग स्टोर में हम आशा बेचते हैं। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किसी आइडिया या फायदे को लोगों तक पहुंचाने का जरिया होती हैं। सोशल मार्केटर्स फ्रेंड्स डोंट लेट फ्रेंड्स ड्राइव ड्रंक और अ माइंड इज अ टेरिबल थिंग टू वेस्ट जैसे आइडियाज को प्रमोट करते हैं। कौन करता है मार्केट? मार्केटर्स और प्रोस्पेक्ट्स। एक मार्केटर वह होता है जो किसी और, जिसे प्रोस्पेक्ट कहते हैं, से कुछ चाहता है, अटेंशन, कोई चीज खरीदना, वोट देना या डोनेशन देना। अगर दो लोग एक दूसरे को कुछ बेचना चाहते हैं तो हम उन दोनों को मार्केटर्स कह सकते हैं। मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ाने के काम में माहिर होते हैं, लेकिन वो जो करते हैं ये उसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। वे डिमांड के स्तर, समय और तरीके को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे हो सके। डिमांड की 8 स्थितियां हो सकती हैं। नेगेटिव डिमांड, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता और हो सकता है वे उससे बचने के लिए पैसे भी खर्च करें। नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता या उनको उसमें दिलचस्पी नहीं होती। लेटेंट डिमांड, कंज्यूमर्स को किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जिसे अभी मौजूद कोई प्रोडक्ट पूरा नहीं कर सकता। डिक्लाइनिंग डिमांड, कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को कम बार खरीदना शुरू कर दें या बिल्कुल ही ना खरीदें। इरेगुलर डिमांड, कंज्यूमर की खरीदारी का समय बदलता रहता है, मौसम, महीना, हफ्ता, दिन या घंटे के आधार पर। फुल डिमांड, कंज्यूमर्स बाजार में डाली गई सभी प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से खरीद रहे हैं। ओवरफुल डिमांड, जितने कंज्यूमर्स प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उससे ज्यादा हैं और सबको प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। अनहोलसम डिमांड, कंज्यूमर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स पसंद आ सकते हैं जिनके समाज पर बुरे प्रभाव होते हैं। हर स्थिति में मार्केटर्स को डिमांड के पीछे के कारण को पहचानना होता है और डिमांड को बेहतर स्थिति में लाने के लिए एक प्लान बनाना होता है। मार्केट्स, आमतौर पर एक मार्केट एक ऐसी जगह होती थी जहां बायर्स और सेलर्स सामान खरीदने और बेचने के लिए इकट्ठा होते थे। इकोनॉमिस्ट्स एक मार्केट को बायर्स और सेलर्स के समूह के तौर पर देखते हैं जो किसी एक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट क्लास जैसे हाउसिंग मार्केट या ग्रेन मार्केट को लेकर लेन देन करते हैं। 5 बुनियादी मार्केट्स और उनका आपस में जुड़ाव चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैन्युफैक्चरर्स रिसोर्स मार्केट्स, रॉ मटेरियल्स, लेबर, मनी में जाते हैं, रिसोर्सेस खरीदते हैं और फिर उन्हें गुड्स और सर्विसेज में बदलकर इंटरमीडियरीज को बेचते हैं। इंटरमीडियरीज फिर उन्हें कंज्यूमर्स को बेचते हैं। कंज्यूमर्स अपना लेबर बेचते हैं और उससे मिले पैसों से गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है और उससे रिसोर्स, मैन्युफैक्चरर और इंटरमीडियरी मार्केट से गुड्स खरीद कर पब्लिक सर्विसेज देती है। हर देश की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी एक्सचेंज प्रोसेसेस से जुड़े हुए मार्केट्स के कई समूहों से मिलकर बनी होती है। मार्केटर्स सेलर्स को इंडस्ट्री मानते हैं और कस्टमर ग्रुप्स को बताने के लिए मार्केट शब्द का प्रयोग करते हैं।
वे नीड मार्केट्स, डाइट चाहने वालों का मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट्स, शू मार्केट, डेमोग्राफिक मार्केट्स, युवाओं का मिलेनियम मार्केट, जियोग्राफिक मार्केट्स, चीनी मार्केट या वोटर मार्केट्स, लेबर मार्केट्स और डोनर मार्केट्स की बात करते हैं। चित्र 1.2 दिखाता है कि कैसे सेलर्स और बायर्स चार प्रवाहों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। सेलर्स गुड्स, सर्विसेज और कम्युनिकेशंस जैसे एड्स और डायरेक्ट मेल को मार्केट में भेजते हैं। बदले में उन्हें पैसे और इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कस्टमर का रवैया और सेल्स का डेटा। अंदर वाला लूप गुड्स और सर्विसेज के बदले में पैसों के लेन देन को दिखाता है, बाहर वाला लूप इन्फॉर्मेशन के लेन देन को दिखाता है। की कस्टमर मार्केट्स, आइए कुछ मुख्य कस्टमर मार्केट्स पर एक नजर डालें। कंज्यूमर, बिजनेस, ग्लोबल और नॉन प्रॉफिट। कंज्यूमर मार्केट्स कंपनीज जो मास कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज जैसे कि जूसेस, कॉस्मेटिक्स, एथलेटिक शूज और एयर ट्रैवल बेचती हैं, वो एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाकर उसे लोगों तक आसानी से पहुंचाकर आकर्षक कम्युनिकेशन के साथ और विश्वास बनाने वाली परफॉर्मेंस के जरिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज तैयार करती हैं। बिजनेस मार्केट्स जो कंपनीज बिजनेस गुड्स और सर्विसेज बेचती हैं, उन्हें अक्सर ऐसे प्रोफेशनल बायर्स से बात करनी पड़ती है जिनके पास जानकारी होती है और जो अलग अलग ऑफर्स का अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग और वेबसाइट्स एक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन सेल्स फोर्स, प्राइस और सेलर की रेप्यूटेशन अक्सर ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ग्लोबल मार्केट्स ग्लोबल मार्केट प्लेस में काम करने वाली कंपनीज को अलग अलग देशों में प्रवेश करने के बारे में फैसला करते समय उनकी कल्चर, भाषा, लीगल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस पर ध्यान देना होता है। इसके साथ ही उन्हें ये तय करना होता है कि हर देश में कैसे जाना है। एक्सपोर्टर, लाइसेंसर, जॉइंट वेंचर पार्टनर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर या सोलो मैन्युफैक्चरर, कैसे हर देश के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विस को बदला जाए, कैसे कीमत तय की जाए और अलग अलग कल्चर्स में कैसे बात की जाए। नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट्स जो कंपनीज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को बेचती हैं, जिनकी परचेसिंग पावर कम होती है, जैसे कि चर्चेस, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज, उन्हें सोच समझकर प्राइस तय करना होता है। कई बार सरकारी खरीद के लिए बिड्स देने पड़ते हैं। बायर्स अक्सर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हैं और दूसरे फैक्टर्स एक जैसे होने पर सबसे कम बिड को चुन लेते हैं। कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। मार्केटिंग को समझने के लिए हमें कुछ मुख्य बातों को समझना होगा। देखिए टेबल 1.1। नीड्स, वॉन्ट्स और डिमांड्स। नीड्स इंसान की बुनियादी जरूरतें होती हैं, जैसे कि हवा, खाना, पानी, कपड़े और घर। इंसानों की रिक्रिएशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की भी मजबूत जरूरतें होती हैं। ये नीड्स तब वॉन्ट्स बन जाती हैं जब उन्हें किसी खास चीज के लिए लगाया जाता है जो उस जरूरत को शायद पूरा कर दे। एक यूएस का कंज्यूमर खाना चाहता है, लेकिन हो सकता है वो शिकागो स्टाइल, डीप डिश, पिज्जा और एक क्राफ्ट बियर चाहे। अफगानिस्तान में एक व्यक्ति खाना चाहता है, लेकिन हो सकता है वो चावल, भेड़ का मांस और गाजर चाहे। हमारी चाहतों को हमारा समाज आकार देता है। डिमांड्स किसी खास प्रोडक्ट्स के लिए चाहते होती हैं, जो खरीदने की ताकत के साथ जुड़ी होती हैं। बहुत से लोग मर्सिडीज चाहते हैं, कुछ ही उसे खरीद सकते हैं। कंपनीज को ये देखना होता है कि कितने लोग उनका प्रोडक्ट चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कि कितने लोग उसे खरीदना चाहते हैं और खरीद भी सकते हैं। इन भेदों से इस आलोचना पर रोशनी पड़ती है कि मार्केटर्स लोगों से ऐसी चीजें खरीदवाते हैं जो वो नहीं चाहते। मार्केटर्स नीड्स नहीं बनाते, नीड्स तो मार्केटर्स के पहले से ही होती हैं। मार्केटर्स शायद इस विचार को आगे बढ़ाए कि मर्सिडीज किसी इंसान की सोशल स्टेटस की जरूरत को पूरा करती है, लेकिन वो सोशल स्टेटस की जरूरत नहीं बनाते। कुछ कस्टमर्स को ऐसी नीड्स होती हैं जिनके बारे में वो पूरी तरह से नहीं जानते या उन्हें शब्दों में नहीं कह सकते। एक पावरफुल लॉन मोअर या पीसफुल होटल पूछकर कस्टमर का क्या मतलब होता है, मार्केटर को और गहराई में बात करनी होगी। हम 5 तरह की नीड्स के बीच फर्क कर सकते हैं। स्टेटेड नीड्स, कस्टमर एक सस्ती कार चाहता है। रियल नीड्स, कस्टमर ऐसी कार चाहता है जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो, ना कि बस शुरुआती प्राइस। अनस्टेटेड नीड्स, कस्टमर ये उम्मीद करता है कि डीलर की सर्विस अच्छी होगी। डिलाइट नीड्स, कस्टमर चाहेगा कि डीलर कार में एक ऑनबोर्ड GPS सिस्टम भी दे। सीक्रेट नीड्स, कस्टमर चाहता है कि उसके दोस्त उसे एक समझदार कंज्यूमर के रूप में देखें।
सिर्फ स्टेटेड नीड को पूरा करने से हो सकता है कस्टमर को वो ना मिले जो वो पूरी तरह से चाहता है। जब टैबलेट कंप्यूटर्स पहली बार पेश किए गए थे उस समय कंज्यूमर्स को उनके बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन एप्पल ने उनकी धारणाएं बनाने के लिए बहुत मेहनत की। आगे बढ़ने के लिए कंपनीज को ग्राहकों को यह सीखने में मदद करनी चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। टारगेट मार्केट्स, पोजिशनिंग और सेगमेंटेशन हर किसी को एक जैसा सीरियल, रेस्टोरेंट, यूनिवर्सिटी या मूवी पसंद नहीं आती, इसलिए मार्केटर्स अलग अलग तरह के बायर्स में डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल डिफरेंसेस को पहचान कर उनके सेगमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद वे तय करते हैं कि कौन सा सेगमेंट एस उनके लिए सबसे अच्छे मौके देते हैं। इनमें से हर टारगेट मार्केट के लिए कंपनी एक मार्केट ऑफरिंग बनाती है जिसे वह टारगेट बायर्स के दिमाग में किसी खास फायदे के साथ पोजीशन करती है। वोल्वो अपनी कार्स उस बायर के लिए बनाती है जिसके लिए सेफ्टी सबसे जरूरी है और उन्हें बाजार में सबसे सुरक्षित कार के रूप में पोजीशन करती है। ऐसे बायर्स को टारगेट करती है जो ड्राइविंग में मजा और रोमांच चाहते हैं और अपनी कार से एक स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं। ऑफरिंग्स और ब्रथ्स कंपनीज कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए एक वैल्यू प्रपोजिशन देती हैं, जो उन नीड्स को पूरा करने वाले फायदों का एक समूह होता है। इस इंटेंजिबल वैल्यू प्रपोजिशन को एक ऑफरिंग से पूरा किया जाता है जो प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस का मिलाजुला रूप होता है। एक ब्रांड किसी जान पहचाने सोर्स से मिलने वाली ऑफरिंग होती है। जैसे एप्पल का ब्रांड नेम लोगों के दिमाग में बहुत सी चीजों से जुड़ा हुआ है जिनसे इसकी छवि बनती है। क्रिएटिव, इनोवेटिव, इजी टू यूज, फन, कूल, आईपॉड, आईफोन और आईपैड, ये बस कुछ उदाहरण हैं। सभी कंपनीज एक ऐसी ब्रांड इमेज बनाना चाहती हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मजबूत, अच्छे और अलग ब्रांड एसोसिएशंस जुड़े हों। मार्केटिंग चैनल्स टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए मार्केटर तीन तरह के मार्केटिंग चैनल्स इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स टारगेट बायर्स को मैसेजेस पहुंचाते हैं और उनसे मैसेजेस लेते हैं। इनमें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, मेल, टेलीफोन, स्मार्टफोन, बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स, फ्लायर्स, सीडीएस, ऑडियो टेप्स और इंटरनेट आते हैं। इनके अलावा फर्म्स अपने रिटेल स्टोर्स और वेबसाइट्स के लुक और दूसरे मीडिया के जरिए भी बात करती हैं। वे ईमेल्स, ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस और यूआरएल्स जैसे डायलॉग चैनल्स को एड्स जैसे मोनोलॉग चैनल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खरीदार तक फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस एस को दिखाने, बेचने या पहुंचाने में मदद करते हैं। ये चैनल्स डायरेक्ट हो सकते हैं जैसे इंटरनेट, मेल या मोबाइल फोन या टेलीफोन, या फिर इनमें इंटरमीडियरीज हो सकते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और एजेंट्स। सर्विस चैनल्स का इस्तेमाल पोटेंशियल बायर्स के साथ लेन देन के लिए किया जाता है। इनमें वेयरहाउस, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज शामिल हैं। मार्केटर्स को अपने ऑफरिंग्स के लिए कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस चैनल्स का सबसे अच्छा मिश्रण चुनने की चुनौती होती है। पेड, ओन्ड और अर्न्ड मीडिया, डिजिटल मीडिया ने मार्केटर्स को कंज्यूमर्स और कस्टमर्स से जुड़ने के कई नए तरीके दिए हैं। कम्युनिकेशन के ऑप्शंस को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पेड मीडिया में टीवी, मैगजीन और डिस्प्ले एड्स, पेड सर्च और स्पॉन्सरशिप्स शामिल हैं जिनसे मार्केटर्स अपनी एड या ब्रांड को पैसे देकर दिखा सकते हैं। ओन्ड मीडिया वो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जो मार्केटर्स के पास होते हैं, जैसे कि कंपनी या ब्रांड का ब्रोशर, वेबसाइट, ब्लॉग, फेसबुक पेज या ट्विटर अकाउंट। अर्न्ड मीडिया वो तरीके होते हैं जिनमें कंज्यूमर्स, प्रेस या दूसरे लोग अपनी इच्छा से वर्ड ऑफ माउथ, बस या वायरल मार्केटिंग के जरिए ब्रांड के बारे में बात करते हैं। अर्न्ड मीडिया के आने से कुछ कंपनीज जैसे चिपोटल अपने पेड मीडिया पर होने वाले खर्च को कम कर पा रही है। चिपोटल पिछले दशक में सबसे तेजी से बढ़ने वाली रेस्टोरेंट चेन्स में से एक, चिपोटल ताजे खाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कंपनी परिवार द्वारा चलाए जा रहे फार्म्स को समर्थन देती है और ऐसे लोकल ग्रोअर्स से इंग्रेडिएंट्स लेती है जो जानवरों और पर्यावरण के साथ जिम्मेदारी से काम करते हैं। इसके 1600 से ज्यादा स्टोर्स हैं और इसके सोशल मीडिया फैंस की संख्या 1.7 मिलियन से ज्यादा है, फिर भी ये ट्रेडिशनल पेड मीडिया पर लगभग कुछ भी खर्च नहीं करती। इसकी बजाय चिपोटल कस्टमर्स के साथ फेसबुक, ट्विटर और दूसरी सोशल मीडिया के जरिए अपने फूड विद इंटेग्रिटी
डिजिटल स्ट्रेटजी से जुड़ती है, जो इस बात पर जोर देता है कि वो क्या बेचते हैं और वो कहां से आता है। जैसा कि सीएमओ मार्क क्रम्पैकर कहते हैं, आमतौर पर फास्ट फूड मार्केटिंग सच्चाई को छुपाने वाली होती है। ज्यादातर फास्ट फूड कंपनीज के बारे में लोग जितना ज्यादा जानेंगे, वो उनका कस्टमर बनना उतना ही कम चाहेंगे। इंप्रेशंस और एंगेजमेंट, मार्केटर्स अब कंज्यूमर्स तक पहुंचने के तीन स्क्रीन्स या तरीकों के बारे में सोचते हैं, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल। एरानी की बात यह है कि डिजिटल ऑप्शंस बढ़ने से शुरुआत में टीवी देखने वालों की संख्या कम नहीं हुई। इसका एक कारण है कि जैसा नीलसन के एक अध्ययन में पाया गया, 5 में से 3 कंज्यूमर्स एक साथ 2 स्क्रीन्स इस्तेमाल करते हैं। इंप्रेशंस जो तब होते हैं जब कंज्यूमर्स कोई कम्युनिकेशन देखते हैं, कम्युनिकेशन के पहुंच की गहराई पता करने के लिए एक अच्छा मैट्रिक है और इनकी दूसरे कम्युनिकेशन टाइप से तुलना भी की जा सकती है। इसका उल्टा पहलू यह है कि इंप्रेशंस कम्युनिकेशन को देखने से हुए परिणाम के बारे में नहीं बताते। एंगेजमेंट इस बात का पैमाना है कि कोई कम्युनिकेशन कितना कस्टमर का ध्यान आकर्षित कर रहा है और कस्टमर उससे किस हद तक जुड़ा हुआ है। ये महज एक इंप्रेशन से ज्यादा एक्टिव रिस्पॉन्स दिखाता है और इससे फर्म के लिए वैल्यू बनने की ज्यादा संभावना होती है। ऑनलाइन एंगेजमेंट के कुछ मेजर्स हैं, फेसबुक लाइक्स, ट्विटर ट्वीट्स, किसी ब्लॉग या वेबसाइट पर कमेंट्स और वीडियो या किसी और कंटेंट को शेयर करना। एंगेजमेंट उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस तक भी जा सकती है जो किसी फर्म के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बढ़ाते हैं या बदलते हैं। वैल्यू और सेटिस्फैक्शन बायर उन ऑफरिंग्स को चुनता है जो उसे लगता है कि सबसे ज्यादा वैल्यू देंगी, यानी टैंजिबल और इनटैंजिबल फायदे और कीमत का जोड़। वैल्यू जो मार्केटिंग का एक केंद्रीय विषय है, खास तौर पर क्वालिटी, सर्विस और प्राइस QSP का मिश्रण है, जिसे कस्टमर वैल्यू ट्रायड कहते हैं। क्वालिटी और सर्विस बढ़ने से वैल्यू बढ़ती है, लेकिन प्राइस बढ़ने से घटती है। हम मार्केटिंग को इस तरह समझ सकते हैं, कस्टमर वैल्यू को पहचानना, बनाना, बताना, पहुंचाना और उस पर नजर रखना। सेटिस्फैक्शन किसी व्यक्ति के किसी प्रोडक्ट के प्रदर्शन के बारे में निर्णय को बताता है, जो उसकी अपेक्षाओं से तुलना करके किया जाता है। यदि प्रदर्शन अपेक्षाओं से कम है तो कस्टमर निराश होता है। यदि वह अपेक्षाओं से मेल खाता है तो कस्टमर संतुष्ट है। यदि वह उनसे ज्यादा है तो कस्टमर बहुत खुश है। सप्लाई चेन एक ऐसा चैनल है जो रॉ मटेरियल से लेकर कंपोनेंट्स होते हुए उन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक जाता है जो फाइनल बायर्स तक पहुंचते हैं। जैसा कि चित्र 1.3 में दिखाया गया है, कॉफी की सप्लाई चेन इथियोपिया के फार्मर्स से शुरू हो सकती है जो कॉफी के बीज बोते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनकी तुड़ाई करके अपनी फसल को बेचते हैं। यदि वह किसी फेयर ट्रेड कोऑपरेटिव के जरिए बेची जाती है तो कॉफी को धोया जाता है, सुखाकर पैकेज किया जाता है और अल्टरनेटिव ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ATO द्वारा भेजा जाता है, जो कम से कम $1.26 अ पाउंड का भुगतान करता है। ATO कॉफी को विकसित देशों तक पहुंचाता है, जहां वो उसे सीधे या फिर रिटेल चैनल्स के जरिए बेच सकता है। चेन में शामिल हर कंपनी सप्लाई चेन के वैल्यू डिलीवरी सिस्टम द्वारा बनाई गई कुल वैल्यू का एक निश्चित हिस्सा ही ले पाती है। जब कोई कंपनी अपने कंपेटिटर्स को खरीदती है या अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम बढ़ती है, तो उसका लक्ष्य सप्लाई चेन की वैल्यू का ज्यादा प्रतिशत हासिल करना है। सप्लाई चेन में समस्याएं किसी बिजनेस के लिए हानिकारक या बर्बाद करने वाली भी हो सकती हैं। जब जॉनसन & जॉनसन को अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूनिट, जो टाइलिनॉल और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाता है, में मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, तो इसने बेयर AG से एक टॉप एग्जीक्यूटिव को काम पर रख लिया जो कि कंज्यूमर और सप्लाई चेन की समस्याएं ठीक कराने में कुशल थी। कंपटीशन में वे सभी एक्चुअल और पोटेंशियल राइवल ऑफरिंग्स और सब्स्टिट्यूट्स शामिल हैं जिन पर कोई बायर विचार कर सकता है। एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर स्टील को US के US स्टील से, किसी विदेशी जापानी या कोरियाई फर्म से या न्यूकर जैसी मिनीमिल से कम कीमत पर खरीद सकता है, या वह कार का वजन कम करने के लिए एल्कोआ से एल्यूमिनियम पार्ट्स या फिर स्टील की जगह सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन SABIC से इंजीनियर प्लास्टिक्स खरीद सकता है। साफ है कि US स्टील को दूसरी स्टील कंपनीज के मुकाबले सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, इसलिए अगर वो इस बात को नहीं समझेगा तो वह अपनी कॉम्पिटिशन को काफी कम आंक लेगा। मार्केटिंग एनवायरमेंट में टास्क एनवायरमेंट और ब्रॉड एनवायरमेंट शामिल होते हैं। टास्क एनवायरमेंट में वे सभी शामिल हैं जो किसी ऑफरिंग को बनाने, डिस्ट्रीब्यूट करने और प्रमोट करने में लगे होते हैं। इनमें कंपनी, सप्लायर्स,
डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और टारगेट कस्टमर्स आते हैं। सप्लायर ग्रुप में मटेरियल सप्लायर्स और सर्विस सप्लायर्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज और टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स में एजेंट्स, ब्रोकर्स, मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरे वे लोग शामिल होते हैं जो ग्राहकों को ढूंढने और उन्हें प्रोडक्ट्स बेचने में मदद करते हैं। ब्रॉड एनवायरनमेंट में 6 कंपोनेंट्स होते हैं: डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। मार्केटर्स को इनमें होने वाले ट्रेंड्स पर पूरा ध्यान देना होता है और जरूरत के हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होती है। नए मौके लगातार सामने आते रहते हैं और उनको हासिल करने के लिए मार्केटिंग से जुड़ी सही समझ और चतुराई की जरूरत होती है। पिंटरेस्ट के बारे में सोचिए। पिंटरेस्ट सबसे तेजी से बढ़ने वाली सोशल मीडिया साइट्स में से एक, इसने जनवरी 2012 में यूएस में 10 मिलियन मंथली यूनिक विजिटर्स को पार कर लिया था और 4 महीने बाद ही इस संख्या को दोगुना कर लिया था। पिंटरेस्ट एक विजुअल बुकमार्किंग टूल है जिससे यूजर्स किसी प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स की इमेजेस इकट्ठी करके उन्हें डिजिटल स्क्रैपबुक्स या पिनबोर्ड्स पर शेयर कर सकते हैं, खास तौर पर उन महिलाओं के बीच लोकप्रिय जो वेडिंग्स की प्लानिंग कर रही हों, रेसिपीज बचा कर रख रही हों या किचन को अपग्रेड करने का डिजाइन बना रही हों। पिंटरेस्ट ने एक महीने में ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन और यूट्यूब सबको मिलाकर जितने ट्रैफिक को वेबसाइट्स तक पहुंचाया है, उससे ज्यादा ट्रैफिक को अकेले वेबसाइट्स तक पहुंचाया है। इसकी लोकप्रियता का एक कारण इसकी अनूठी कस्टमाइजेबल ग्रिड ऑफ इमेजेस है। पिंटरेस्ट की खास बात यह है कि इसके यूजर्स अक्सर कुछ खरीदने वाले मूड में होते हैं। एक अध्ययन से पता चला कि जिन ऑनलाइन परचेसर्स ने कोई प्रोडक्ट पिंटरेस्ट पर ढूंढा, उनमें से लगभग 70% ने उसे खरीद लिया, जबकि फेसबुक के लिए यह संख्या 40% थी। डेल और मर्सिडीज बेंज से लेकर पीनट बटर को और जोम्बी एसके तक बड़े ब्रदर्स साइट को अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज में शामिल कर रहे हैं। इसके बावजूद पिंटरेस्ट अभी यह खोज रहा है कि अपने बिजनेस वेंचर से पैसे कैसे कमाए जाए। मार्केटिंग की नई हकीकतें, रियलिटीज, मार्केटप्लेस 10 साल पहले के मुकाबले बेहद बदल चुका है और इसमें मार्केटिंग से जुड़ी नई आदतें, मौके और चुनौतियां सामने आ रही हैं। इस किताब में हम 3 बड़ी ताकतों पर ध्यान देंगे जो चीजों को बदल रही हैं: टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक्नोलॉजी बदलाव की गति बहुत तेज और इसके आविष्कार बहुत बड़े हो सकते हैं। भारत में मोबाइल फोन्स की संख्या हाल ही में 500 मिलियन के पार हो गई, फेसबुक के मंथली यूजर्स 1 बिलियन से ज्यादा हो गए और अफ्रीका में आधे से ज्यादा शहरों में रहने वाले लोग हर महीने इंटरनेट इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ई कॉमर्स, मोबाइल इंटरनेट और इमर्जिंग मार्केट्स में वेब के तेजी से बढ़ने के साथ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मानना है कि ब्रांड मार्केटर्स को अपनी डिजिटल बैलेंस शीट्स को बेहतर बनाना होगा। अब कंज्यूमर्स और मार्केटर्स को लगभग हर चीज के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा मिल जाते हैं। असल में टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च करने वाली कंपनी गार्टनर का कहना है कि 2017 तक CMOs इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AT पर चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स CIOs से ज्यादा खर्च करेंगे। के CMO और CIO ने तो पहले ही कई साल से मिलकर काम किया है और iTriage को लॉन्च करने में सफलता हासिल की है, जो iPhone के लिए बना एक पॉपुलर हेल्थ ऐप है। iTriage के साथ यूजर्स अपनी बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, पास के डॉक्टर्स ढूंढ सकते हैं और बताई गई मेडिसिन्स के बारे में पता कर सकते हैं। प्रॉक्टर & गैम्बल PG टेक्नोलॉजी के नए चलन में आगे रहना चाहता है। PG उन 80 देशों जहां यह अपने प्रोडक्ट्स बेचता है सबसे नए वेब बेस्ड टूल्स इस्तेमाल करता है। हर जगह तेज नेटवर्किंग, डेटा विजुअलाइजेशन और बहुत सी इन्फॉर्मेशन स्ट्रीम्स का तेज एनालिसिस। दुनिया भर में 40 जगहों पर बड़े बिजनेस फेयर, कंट्री, रीजन, ब्रांड और प्रोडक्ट के हिसाब से रियल टाइम मार्केट शेयर, प्रॉफिट्स और प्राइसेस दिखा सकते हैं। टाइड लॉन्ड्री डिटर्जेंट का अपना एक न्यूज डेस्क है जो सोशल मीडिया पर होने वाली बातचीत पर नजर रखता है और जहां जरूरत हो शामिल हो जाता है। जब नस्क की रेस में गंदा ईंधन साफ करने के लिए टाइड इस्तेमाल किया गया तो ब्रांड ने 72 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर असली न्यूज फुटेज के साथ एड्स दिखाए। PG कई तरह की टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस देख रहा है।
एक पायलट स्टडी से पता चला कि सिर्फ आईपैड्स इस्तेमाल करके ग्राहकों को अलग अलग तरह के फ्लोर डिस्प्लेस दिखाने से फील्ड सेल्स पीपल ने रेवेन्यू को 1.5% बढ़ा दिया था। टेक्नोलॉजी से बदलाव। पुराना विचार कि इन्फॉर्मेशन इज पावर बदल रहा है और अब यह माना जाने लगा है कि शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इज पावर। सॉफ्टवेयर बनाने वाली बड़ी कंपनी सैप के ऑनलाइन कम्युनिटी में 2 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स, पार्टनर्स और दूसरे लोग हैं। साल में एक बार 100 लोगों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अपना योगदान देने के लिए चुना जाता है। द जेंट्स प्लेस बार्बरशॉप फ्रिस्को टीएक्स ने फेसबुक पर एड्स चलाकर नए कस्टमर्स को मुफ्त कट शैम्पू और हॉट टॉवल ट्रीटमेंट देकर 5,000 क्लाइंट्स बनाए। बस इसके बदले उन्हें अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पसंदीदा सोशल नेटवर्क देना था। प्रत्येक कस्टमर को जोड़ने में उनका औसत मार्केटिंग कॉस्ट $10.13 था, जो उन्हें दोबारा खरीदारी से आसानी से मिल जाता है। यहां तक कि टेक्नोलॉजी से ट्रेडिशनल मार्केटिंग काम भी बहुत प्रभावित हुए हैं। सेल्स फोर्स की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए दवा बनाने वाली कंपनी ने अपनी पूरी सेल्स टीम को आईपैड्स देने का फैसला किया। हालांकि कंपनी के पास पहले ही बढ़िया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM सॉफ्टवेयर था, फिर भी उसे सही समय पर सही डेटा डालने के लिए सेल्स रेप्स पर निर्भर रहना पड़ता था, जो अक्सर नहीं हो पाता था। लेकिन आईपैड्स के साथ सेल्स टीम रियल टाइम डेटा दर्ज कर सकती है, जिससे डेटा की गुणवत्ता बढ़ती है और दूसरे कामों के लिए समय बच जाता है। ग्लोबलाइजेशन दुनिया एक छोटी जगह बन गई है। नई ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हमें पूरी दुनिया को जानना, घूमना और कहीं भी खरीदना बेचना आसान हो गया है। 2025 तक इमर्जिंग मार्केट्स में सालाना खपत कंसम्पशन $30 ट्रिलियन हो जाएगी और यह ग्लोबल GDP के विकास में 70% से ज्यादा योगदान देगी। चौंकाने वाले 56% ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के खर्च के 2050 तक इमर्जिंग मार्केट से होने का अनुमान है, जबकि यह संख्या 2010 में केवल 18% थी। डेवलपिंग मार्केट्स जैसे भारत और इजिप्ट में जनसंख्या के हिसाब से ज्यादातर लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। मिडिल क्लास यानी $3,000 से ज्यादा सालाना कमाने वाले के विकास के मामले में फिलीपींस, चाइना और पेरू सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश हैं। ग्लोबलाइजेशन ने देशों को ज्यादा मल्टीकल्चरल बनाया है। यूएस में माइनॉरिटीज के पास काफी आर्थिक ताकत है और उनकी परचेसिंग पावर आम लोगों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के टेरी कॉलेज ऑफ बिजनेस की माइनॉरिटी बाइंग रिपोर्ट के अनुसार यूएस में रेशियल माइनॉरिटीज अफ्रीकन अमेरिकन्स, एशियंस और नेटिव अमेरिकन्स की कुल परचेसिंग पावर 2010 में 1.6 ट्रिलियन से बढ़कर 2015 में 2.1 ट्रिलियन होने का अनुमान है, जो देश के कुल का 15% है। यूएस के हिस्पैनिक्स की परचेसिंग पावर 2010 में $1 ट्रिलियन से बढ़कर 2015 में 1.5 ट्रिलियन हो जाएगी, जो करीब देश के कुल का 11% है। एक सर्वे से पता चला कि 87% कंपनीज अपने मल्टीकल्चरल मीडिया बजट्स बढ़ाने या बनाए रखने की योजना बना रही हैं। ग्लोबलाइजेशन से इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी बदलते हैं, क्योंकि कंपनीज एक देश से विचार और सीख लेकर उन्हें दूसरे देश में इस्तेमाल करती हैं। कई साल तक चाइनीज मार्केट में अपने प्रीमियम अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स के साथ सफलता न मिलने के बाद जीई ने एक पोर्टेबल अल्ट्रालोकॉस्ट वर्जन बनाई, जिसमें बाकी सुविधाएं छोड़कर चीनी बाजार की खास जरूरतों को पूरा किया जाता था। बाद में वह इस प्रोडक्ट को पूरी डेवलप्ड दुनिया में एम्बुलेंसेस और ऑपरेटिंग रूम्स, जहां पुराने मॉडल्स बहुत बड़े थे, में बेचने में सफल रही। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गरीबी, प्रदूषण, पानी की कमी, क्लाइमेट चेंज, युद्ध और वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन के कारण सबका ध्यान जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर कुछ जिम्मेदारी दिखाते हुए रहने की स्थिति बेहतर करने के लिए काम कर रहा है और दुनिया भर की फर्म्स ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का महत्व बढ़ा दिया है। मार्केटिंग पर समाज का असर। क्योंकि मार्केटिंग का असर पूरे समाज पर होता है, मार्केटर्स को अपने काम के एथिकल, एनवायरमेंटल, लीगल और सोशल पहलू पर विचार करना होता है। मार्केटिंग इनसाइट गेटिंग टू मार्केटिंग 3.0 इंच में बताया गया है कि इसे करने के लिए कंपनीज को कैसे बदलना होगा। इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का काम यह तय करना होता है कि वो टारगेट मार्केट्स की नीड्स, वॉन्ट्स और इंटरेस्ट्स को जाने और उन्हें कंपेटिटर्स के मुकाबले ज्यादा अच्छे से और कुशलता से पूरा करे, और साथ ही कंज्यूमर्स और समाज की लंबे समय तक अच्छी स्थिति को बरकरार रखने या उसे बेहतर करने का काम करे।
मार्केटिंग 3.0 तक पहुंचना फिलिप हरमावन और इवान मानते हैं कि आज के कस्टमर्स चाहते हैं कि मार्केटर्स उन्हें एक पूरे इंसान के तौर पर देखें और यह समझें कि उनकी जरूरतें कंज्यूमरिज्म या उपभोक्तावाद से भी आगे तक जाती हैं। इसलिए सफल मार्केटिंग को उसके ह्यूमन या इमोशनल एलिमेंट अलग बनाते हैं। इन लेखकों के अनुसार सोच का तीसरा दौर जो वैल्यूज या मूल्यों से चलता है और जिसे मार्केटिंग 3.0 कहा जाता है हमें प्रोडक्ट सेंट्रिक और कंज्यूमर सेंट्रिक मॉडल से आगे ले गया है। इसके तीन अहम चलन हैं कस्टमर द्वारा ज्यादा हिस्सेदारी और कोलैबोरेटिव मार्केटिंग, ग्लोबलाइजेशन और क्रिएटिव सोसाइटी का उभार। हम लगातार होने वाले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ रहते हैं। सस्ता इंटरनेट, सस्ते कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स, ओपन सोर्स सर्विसेज और सिस्टम्स, एक्सप्रेसिव और कोलैबोरेटिव सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और विकिपीडिया ने मार्केटर्स के काम करने और कंज्यूमर्स के साथ बातचीत करने का तरीका बदल दिया है। कल्चरली रेलेवेंट ब्रांड्स का दूर तक असर हो सकता है। उदाहरण के लिए एक कल्चरल ब्रांड खुद को किसी ऐसे ग्लोबल ब्रांड के नेशनल या लोकल अल्टरनेटिव के तौर पर दिखा सकता है जिसके एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स कमजोर हों। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बुनियाद तेजी से क्रिएटिव लोग बन रहे हैं। मार्केटिंग अब कंपनीज को कॉरपोरेट कल्चर, विजन और मिशन में मार्केटिंग वैल्यूज शामिल करके क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता का सहारा लेने में मदद कर सकती है। इन लेखकों का मानना है कि मार्केटिंग का भविष्य हॉरिजॉन्टल होगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। उन्हें लगता है कि हाल के इकोनॉमिक डाउनटर्न ने बाजार में भरोसा नहीं बढ़ाया है और प्रोडक्ट चुनते समय कस्टमर्स अब विश्वसनीय सलाह और जानकारी के लिए एक दूसरे की ओर ज्यादा देख रहे हैं। जैसे जैसे गुड्स ज्यादा कमोडिटाइज्ड बन रहे हैं और कंज्यूमर्स ज्यादा सोशली कॉन्शियस हो रहे हैं, द बॉडी शॉप, टिम्बरलैंड और पैटागोनिया जैसी कुछ कंपनीज अपने आप को कंपेटिटर्स से अलग दिखाने, कंज्यूमर प्रेफरेंस बनाने और काफी ज्यादा सेल्स और मुनाफा कमाने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना रही हैं। काफी हद तक बदला हुआ मार्केटप्लेस। इन तीन ताकतों, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मार्केटप्लेस को नाटकीय रूप से बदल दिया है, जिससे कंज्यूमर्स और कंपनीज को नई क्षमताएं मिली हैं। मार्केटप्लेस चैनल स्ट्रक्चर में बदलाव और बढ़े हुए कॉम्पिटिशन से भी बदल रहा है। कंज्यूमर्स की नई क्षमताएं। सोशल मीडिया दुनिया भर में एक बहुत तेज घटना है। जर्मनी में 65 साल से ज्यादा उम्र के इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स का प्रतिशत 2011 से 2012 के बीच 24% से बढ़कर 33% हो गया। इनमें से ज्यादातर किसी सोशल मीडिया सर्विस से जुड़े हुए थे। वायरलेस तरीके से वेब ब्राउज करने वाले जर्मन्स की संख्या 2012 में बढ़कर 29 मिलियन हो गई और 2016 में इसके 60 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान था। 2012 में 10% से ज्यादा जर्मन्स इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए टैबलेट्स का प्रयोग कर रहे थे। 2012 में हुए सर्वे में लगभग 2/3 जर्मन कंपनीज ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया एक्टिविटीज, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया न्यूज़रूम्स, कस्टमर फीडबैक कम्युनिटीज से अच्छा फायदा मिला है। लेकिन एम्पावरमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। कंज्यूमर्स किसी दूसरे ब्रांड पर जा सकते हैं अगर उन्हें लगे कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है या उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा है जो वो देख रहे हैं, जैसा कि प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस ने जाना। न्यू कंज्यूमर कैपेबिलिटीज। कंज्यूमर्स इंटरनेट को एक पावरफुल इन्फॉर्मेशन और परचेसिंग एड की तरह यूज कर सकते हैं। सर्च, कम्युनिकेट और ऑन द मूव भी परचेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया को टैप करके ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं और लॉयल्टी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंपनीज के साथ एक्टिवली इंटरैक्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर वह इनएप्रोप्रिएट लगे। एक्सपैंडेड इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड मोबिलिटी कस्टमर्स को बेहतर चॉइसेस बनाने में मदद करते हैं। वे अपनी प्रेफरेंसेस और ओपिनियंस पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। टेबल 1.2 कुछ न्यू कंज्यूमर कैपेबिलिटीज को समराइज करता है। कंज्यूमर्स इंटरनेट को एक पावरफुल इन्फॉर्मेशन और परचेसिंग एड की तरह यूज कर सकते हैं। घर, ऑफिस या मोबाइल फोन से वे प्रोडक्ट प्राइसेस और फीचर्स कंपेयर कर सकते हैं, यूजर रिव्यूज पढ़ सकते हैं और दुनिया में कहीं से भी 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक ऑनलाइन गुड्स ऑर्डर कर सकते हैं। इससे लोकल ऑफरिंग से ज्यादा वैरायटी मिलती है और प्राइस सेविंग्स होती हैं। वे शोरूमिंग भी कर सकते हैं, स्टोर्स में प्रोडक्ट्स कंपेयर करना लेकिन ऑनलाइन बाय करना। कंज्यूमर सर्च, कम्युनिकेट और परचेस ऑन द मूव कर सकते हैं। कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा अपने डेली लाइव्स में स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स यूज कर रहे हैं।
एक स्टडी में पता चला कि ज्यादातर यूरोपियन स्मार्टफोन ओनर्स अपने डिवाइसेस प्रोडक्ट्स रिसर्च करने परचेसेस बनाने के लिए यूज करते हैं। कंज्यूमर्स सोशल मीडिया को टैप करके ओपिनियंस शेयर लॉयल्टी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फेसबुक फ्लिकर विकिपीडिया और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पर्सनल कनेक्शंस और यूजर जेनरेटेड कंटेंट बहुत पॉपुलर है। डॉगस्टर डॉग लवर्स के लिए, ट्रिपएडवाइजर ट्रैवलर्स के लिए, मोटर्स बाइकर्स के लिए साइट्स कंज्यूमर्स को कॉमन इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। कंज्यूमर्स कंपनीज साथ एक्टिवली इंटरैक्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर्स अपनी फेवरेट कंपनीज को वर्कशॉप्स की तरह देखते हैं, जहां से वे अपने पसंद की ऑफरिंग्स चूज कर सकते हैं। लिस्ट्स को ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करके वे मार्केटिंग और सेल्स रिलेटेड कम्युनिकेशंस, डिस्काउंट्स, कूपन्स और अदर स्पेशल डील्स रिसीव कर सकते हैं। स्मार्टफोन्स के साथ वे बारकोड्स और QR क्विक रिस्पॉन्स कोड स्कैन करके किसी ब्रांड की वेबसाइट और अदर इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। कंज्यूमर्स मार्केटिंग रिजेक्ट कर सकते हैं अगर वह इनएप्रोप्रिएट लगे। कुछ कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स में कम डिफरेंस दिखता है और वो ब्रांड लॉयल्टी भी कम फील करते हैं। कुछ प्राइस और क्वालिटी को लेकर ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। एक सर्वे में ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ कंज्यूमर्स ने कहा कि एडवर्टाइजिंग डिसलाइक, इसलिए कंज्यूमर्स अनडिजायर्ड मार्केटिंग के बारे में लेस टॉलरेंट हो सकते हैं। वे ऑनलाइन मैसेजेस को स्क्रीन आउट करना, DVR से कमर्शियल स्किप करना और मेल या फोन पर मार्केटिंग अपील्स अवॉइड करना चुन सकते हैं। न्यू कंपनी कैपेबिलिटीज, ग्लोबलाइजेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेक्नोलॉजी ने कंपनीज को कोप करने और रिस्पॉन्ड करने के लिए न्यू कैपेबिलिटीज भी दी हैं। टेबल 1.3 कंपनीज इंटरनेट को एक पावरफुल इन्फॉर्मेशन और सेल्स चैनल की तरह यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअली डिफरेंशिएटेड गुड्स के लिए भी। एक वेबसाइट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, हिस्ट्री, बिजनेस फिलॉसफी, जॉब अपॉर्चुनिटीज और कंज्यूमर्स को इंटरेस्ट करने वाली अदर इन्फॉर्मेशन लिस्ट। कंपनीज मार्केट्स, कस्टमर्स, प्रोस्पेक्ट्स और कॉम्पिटिटर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हैं। कस्टमर्स तक सोशल मीडिया मोबाइल मार्केटिंग के जरिए क्विकली एंड एफिशिएंटली रीच टारगेटेड एड्स कूपन्स इन्फॉर्मेशन भेजकर। परचेसिंग रिक्रूटिंग ट्रेनिंग और इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस KO इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। नई कंपनी की कैपेबिलिटीज, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेक्नोलॉजी ने भी कंपनियों को बदलती दुनिया में सामना करने के लिए कई नई कैपेबिलिटीज दी हैं। टेबल 1.3 देखिए। कंपनीज आजकल इंटरनेट को एक ताकतवर इन्फॉर्मेशन और सेल्स चैनल की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें इंडिविजुअली डिफरेंशिएटेड गुड्स को बेचना भी शामिल है। कोई भी वेबसाइट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, हिस्ट्री, बिजनेस फिलॉसफी, जॉब अपॉर्चुनिटीज और ऐसी दूसरी जानकारी लिस्ट कर सकती है जो वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर्स को पसंद आए। सोलो कप मार्केटर्स ऐसा करते हैं और देखा है कि उनके स्टोर फ्रंट्स को उनकी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जोड़ने पर कंज्यूमर्स को सोलो पेपर कप्स और प्लेट्स को खरीदने में आसानी होती है। कस्टमाइजेशन में हुई तरक्की की वजह से कंपनीज कस्टमर्स को MM कैंडीज उनके नाम के साथ या वीटीज बॉक्सेस और जोन सोडा कैंस उनके पिक्चर के साथ खरीदने दे सकती है। यहाँ तक कि हाइंस केचप बॉटल्स कस्टमाइज्ड मैसेजेस के साथ आ सकती है। कंपनीज बाजार कस्टमर्स प्रोस्पेक्ट्स और कॉम्पिटिटर्स के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी इकट्ठी कर सकती हैं। मार्केटर्स नए मार्केटिंग रिसर्च के लिए इंटरनेट का फायदा उठा सकते हैं। फोकस ग्रुप्स बनाएं, क्वेश्चनेयर्स भेजें और दूसरे तरीकों से प्राइमरी डेटा ले सकते हैं। इससे वो हर कस्टमर की खरीदारी पसंद डेमोग्राफिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी की जानकारी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए CVS नाम का ड्रग स्टोर चेन लॉयल्टी कार्ड डेटा से समझता है कि कौन कंज्यूमर क्या खरीदता है, स्टोर विजिट्स कितनी बार होती हैं, वगैरह। कंपनी सोशल मीडिया और मोबाइल मार्केटिंग से कंज्यूमर्स तक तेजी से और अच्छी तरह से पहुंच पाती है। वो टारगेटेड एड्स कूपन्स और इन्फॉर्मेशन भेज सकती हैं। यहां तक कि GPS टेक्नोलॉजी से कंज्यूमर्स का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है ताकि मार्केटर्स उन्हें विशलिस्ट रिमाइंडर्स और कूपन्स भेज सके। लोकेशन बेस्ड एडवर्टाइजिंग ज्यादा असरदार होती है क्योंकि इसमें कंज्यूमर्स को पॉइंट ऑफ सेल के पास ही रीच किया जाता है। सोशल मीडिया और बस भी बहुत काम की चीज है। 2 सालों में डेल ने $2 मिलियन सिर्फ ट्विटर के कूपन से कमाए। कंपनीज अपनी लागत कम कर सकती हैं। बड़ी कंपनियां जो सामान खरीदती हैं, वे इंटरनेट पर सेलर्स की प्राइसेस कंपेयर करके काफी बचत कर सकती हैं।
वे ऑक्शंस में हिस्सा ले सकती हैं या फिर रिवर्स ऑक्शंस में अपनी ही शर्तें रख सकती हैं। इसके अलावा कंपनीज अपने लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस को भी सुधार सकती हैं, जिससे उनकी लागत बहुत कम हो जाती है और एक्यूरेसी और सर्विस की क्वालिटी भी बढ़ती है। छोटी बिजनेसेस के लिए तो इंटरनेट बहुत बड़ी चीज है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स जिनका छोटा सा प्रैक्टिस है, वो भी फेसबुक जैसी सर्विसेज जैसे डॉक्सिमिटी इस्तेमाल करके दूसरे रेफरिंग फिजिशियंस और स्पेशलिस्ट से जुड़ सकते हैं। बदलते चैनल्स। अब कंज्यूमर्स के पास ज्यादा चॉइस इसलिए है क्योंकि सामान पहुंचाने के तरीके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बदल गए हैं। ये बदलाव रिटेल स्टोर्स बदलने और बिचौलियों को हटाने डिसइंटरमीडिएशन की वजह से आए हैं। रिटेल स्टोर्स का कायापलट, दुकान वाली कंपनीज को अब मेल ऑर्डर कैटलॉग, डायरेक्ट मेल करने वाली कंपनीज, अखबारों पर सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाले एड्स, होम शॉपिंग चैनल और इंटरनेट से कड़ी कंपटीशन मिल रही है। जवाब में कुछ दुकानदार अपने स्टोर्स में ग्राहकों को लुभाने के लिए एंटरटेनमेंट का सहारा ले रहे हैं। वे दुकानों में कॉफी शॉप प्रोडक्ट्स को दिखाने वाले डेमोस और प्रोग्राम्स चलाते हैं। इस तरह वो सिर्फ सामान बेचने की बजाय एक पूरा एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। बिचौलियों को हटाना डिसइंटरमीडिएशन शुरुआती इंटरनेट कंपनीज जैसे Amazon.com और ई-ट्रेड ने सामान और सर्विसेज पहुंचाने के पारंपरिक तरीकों को बदल दिया। उन्होंने बीच में आकर सीधे कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देना शुरू किया। जवाब में पुरानी कंपनीज ने भी खुद को बदला और ब्रिक एंड क्लिक रिटेलर्स बन गईं। उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज देना शुरू किया। कुछ बड़ी कंपनीज के पास ज्यादा रिसोर्सेज और पहले से ही मशहूर ब्रांड्स थे, इसलिए वो सिर्फ इंटरनेट पर काम करने वाली कंपनीज से आगे निकल गई। तेज कंपटीशन। ग्लोबलाइजेशन ने देशी और विदेशी ब्रांड्स के बीच कड़ी कंपटीशन पैदा कर दी है। साथ ही प्राइवेट लेबल्स और मेगा ब्रांड्स का चलन बढ़ने और कुछ इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट कंट्रोल कम होने से भी कंपटीशन बढ़ी है। प्राइवेट लेबल्स। बड़ी ब्रांड्स को अब दिक्कत पावरफुल रिटेलर से भी हो रही है जो अपने खुद के स्टोर ब्रांड्स बेचते हैं। ये स्टोर ब्रांड्स बाकी ब्रांड्स से बहुत मिलते जुलते हैं, जिससे कस्टमर्स को कंफ्यूजन होता है। मेगा ब्रांड्स। कई मजबूत ब्रांड्स अब मेगा ब्रांड्स बन गई हैं और उन्होंने अपना काम बढ़ाकर दूसरे प्रोडक्ट्स बेचना भी शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अब एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज अब MP3 प्लेयर से लेकर LCD TVs और स्मार्टफोन्स तक कई तरह के एडवांस्ड डिवाइसेस बनाती हैं। डिरेगुलेशन। सरकारी नियंत्रण कम होना कई देशों ने इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट कंट्रोल कम कर दिया है ताकि कंपटीशन बढ़े और बिजनेसेस को तरक्की करने के ज्यादा मौके मिले। उदाहरण के लिए अमेरिका में फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज से जुड़े लॉस को ढीला कर दिया गया है ताकि इन इंडस्ट्रीज में ज्यादा कंपटीशन आए। प्राइवेटाइजेशन। सरकारी कंपनियों को प्राइवेट बनाना कई देशों ने गवर्नमेंट की कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज में बदल दिया है ताकि वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करें। टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री में प्राइवेटाइजेशन काफी तेजी से हुआ है, खासकर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की और जापान जैसे देशों में। मार्केटिंग। असल में आज की बदली हुई मार्केटिंग दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस अपने मार्केटर्स को पुराने और नए तरीकों में से सबसे अच्छा मिश्रण खोजने और सफलता के सबूत देने की चुनौती दे रही हैं। मार्केटिंग मेमो। रीइन्वेंटिंग मार्केटिंग एट कोका कोला में बताया गया है कि किस तरह कोका कोला जैसी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज ने कई तरह से खुद को बदला है। मार्केटिंग में संतुलन। कंपनीज को हमेशा आगे बढ़ना होता है, उन्हें नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाने होते हैं, कस्टमर्स की जरूरतों को समझना होता है और अपने पुराने स्ट्रेंथ्स पर निर्भर रहने के बजाय नए फायदे ढूंढने होते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया की यूनिलेवर कंपनी में सभी स्टाफ मेंबर्स, सिर्फ मार्केटर्स ही नहीं, को अपने ब्रांड्स पर काम करने के लिए कंज्यूमर लाइसेंस लेना होता है। इसके लिए उन्हें शॉपर्स के साथ 50 घंटे बातचीत करनी होती है। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बताया, हमारे कंज्यूमर्स मार्केटर्स से ज्यादा तेजी से बदल रहे हैं। ये बदलाव शहरों और गांवों दोनों में हो रहे हैं, साथ ही मीडिया और एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के तरीकों में भी। आगे बढ़ने का मतलब खासकर मार्केटिंग प्लान्स में इंटरनेट और डिजिटल एफर्ट्स को शामिल करना है। मार्केटर्स को ट्रेडिशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पर खर्च के साथ साथ सर्च एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस पर खर्च में भी संतुलन बनाना होता है। हालांकि यह मुश्किल आर्थिक समय में करना होता है, जब जवाबदेही सबसे जरूरी हो जाती है और हर मार्केटिंग एक्टिविटी से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की जाती है।
सबसे अच्छी बात यह है कि पुराने काम करने के सफल तरीकों को बनाए रखा जाए और साथ ही नए तरीके अपनाए जाएं जो आज की मार्केटिंग दुनिया के हिसाब से हों। कोका कोला बदल रहा है मार्केटिंग का तरीका। कोका कोला अपनी मार्केटिंग करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है, खासतौर पर वो अपने पुराने मार्केटिंग टूल्स में मजबूत डिजिटल कंपोनेंट जोड़ रहे हैं। उनका नया मॉडल ग्राहकों को सिर्फ विज्ञापन देखने इंप्रेशंस से आगे ले जाकर उनके विचार व्यक्त करने एक्सप्रेशंस पर प्रोत्साहित करता है, फिर उन विचारों को चर्चा कन्वर्सेशंस में बदलता है और अंत में उन्हें उत्पाद खरीदने ट्रांजैक्शंस के लिए प्रेरित करता है। कोका कोला कंज्यूमर्स की एक्सप्रेशंस को ब्रांड से जुड़े कंटेंट के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव के तौर पर परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए फेसबुक पर कोई कमेंट, लाइक या शेयर करना, ट्वीट करना या कोई फोटो या वीडियो अपलोड करना। कोका कोला ऐसा कम्युनिकेशन ऑनलाइन डालता है जिसे लोग आसानी से शेयर कर सकें। इससे न सिर्फ लोग विज्ञापन देखेंगे इंप्रेशंस, बल्कि वे अपना विचार व्यक्त भी करेंगे एक्सप्रेशंस और इस तरह कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। आखिर में वो उत्पाद भी खरीदेंगे। ये कम्युनिकेशन मुख्य रूप से हैप्पीनेस और ऑप्टिमिज्म जैसे विषयों पर आधारित होते हैं जो कोका कोला ब्रांड की पहचान है। इसका एक सफल उदाहरण सिंगापुर में लगाई गई हग मी वेंडिंग मशीन का वीडियो है। ये मशीन लोगों के गले लगने पर उन्हें कोक की कैन देती थी। इस वीडियो को सिर्फ एक हफ्ते में 112 मिलियन बार देखा गया। कोका कोला हमेशा नए प्रयोग करता रहता है। वो अपने बजट का 70% उन चीजों पर खर्च करता है जिनके बारे में उन्हें पता है कि वो कारगर होंगी, 20% उन चीजों को और बेहतर बनाने में लगाता है और 10% बिल्कुल नए प्रयोगों में लगाता है। कंपनी मानती है कि प्रयोग असफल भी हो सकते हैं, लेकिन सीखने और बेहतर चीजें बनाने के लिए जोखिम लेना जरूरी होता है। कोका कोला अपने पारंपरिक विज्ञापन और प्रमोशन में भी इनोवेशन लाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए वो कल्चरल लीडरशिप और दूसरों की मदद करने वाले कार्यों को बहुत महत्व देते हैं। उनका आर्टिक होम प्रोजेक्ट का मिशन ध्रुवीय भालुओं के रहने की जगह को बचाना है। ये भालू कई सालों से उनके हॉलिडे एड्स में एनिमेटेड रूप में दिखाई देते हैं। कोका कोला ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को $3 मिलियन देने की घोषणा की और लोगों का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने अपनी पारंपरिक लाल कैन को सफेद रंग में बदल दिया। मार्केटिंग जवाबदेही। मार्केटर्स से अब ज्यादा जोर देकर मांगा जाता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियल टर्म्स और मुनाफे के नजरिए से सही साबित करें। साथ ही ब्रांड बनाने और कस्टमर्स बढ़ाने के मामले में भी जवाबदेही तय करें। ऑर्गेनाइजेशंस मानती हैं कि उनकी मार्केट वैल्यू का ज्यादा हिस्सा इंटेंजिबल एसेट्स, जिनका भौतिक रूप नहीं होता, से आता है। खासकर ब्रदसा, कस्टमर बेस, एम्प्लॉयज, डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर रिलेशंस और इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इन चीजों से। इसलिए वो अब ज्यादा मार्केटिंग मेट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ब्रांड इक्विटी, ब्रांड की ताकत, कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू, ग्राहक से होने वाली जिंदगी भर की कमाई, रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। ये सब अपना मार्केटिंग और बिजनेस परफॉर्मेंस को समझने और मापने के लिए। साथ ही वो कई तरह के फाइनेंशियल मेजर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके मार्केटिंग एफर्ट्स से होने वाले सीधे और अप्रत्यक्ष फायदे का आकलन कर सके। मार्केटिंग संस्था में ह्यूलेट पैकार्ड के डेविड पैकर्ड ने सही कहा था, मार्केटिंग इतना महत्वपूर्ण है कि इसे सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अब मार्केटिंग का काम सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही नहीं करता, कंपनी का हर कर्मचारी किसी न किसी तरह कस्टमर को प्रभावित करता है। मार्केटर्स को अब सभी पॉसिबल टच पॉइंट्स को अच्छे से मैनेज करना होता है, जैसे दुकान का नक्शा, पैकेजिंग डिजाइन, प्रोडक्ट के फंक्शंस, एम्प्लॉई ट्रेनिंग और शिपिंग और लॉजिस्टिक्स। एक मजबूत मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए मार्केटर्स को दूसरे डिपार्टमेंट्स के एग्जीक्यूटिव्स की तरह सोचना होगा और दूसरे डिपार्टमेंट्स के एग्जीक्यूटिव्स को ज्यादा मार्केटिंग ओरिएंटेड होकर सोचना होगा। कई डिपार्टमेंट्स के बीच अच्छा टीमवर्क जरूरी है जिसमें मार्केटर्स भी शामिल हों। इससे कई महत्वपूर्ण चीजों को मैनेज करने में मदद मिलेगी, जैसे प्रोडक्शन इनोवेशन, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन और ऑर्डर फुलफिलमेंट। कंपनी का मार्केट के प्रति रुझान। आज की बदली हुई मार्केटिंग दुनिया को देखते हुए कंपनियों को अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को किस तरह से करना चाहिए? सबसे पहले आइए मार्केटिंग फिलॉसफीज के विकास को देखें। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बिजनेस की दुनिया के सबसे पुराने कॉन्सेप्ट्स में से एक है। ये कहता है कि ग्राहक वो प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं जो हर जगह मिलते हैं और सस्ते होते हैं। प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेसेस के मैनेजर्स का मुख्य लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाना
हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कम खर्चा, लो कॉस्ट्स और बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये रुझान खासतौर पर विकासशील देशों में कारगर साबित होता है, उदाहरण के लिए चीन। वहां पर लेजेंड कंपनी, जो लेनोवो ग्रुप की मुख्य मालिक है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पीसी मैन्युफैक्चरर है और घरेलू अप्लायंसेस बनाने वाली दिग्गज कंपनी ने अपने देश के सस्ते और कुशल वर्कफोर्स का फायदा उठाकर मार्केट में अपना दबदबा बनाया है। मार्केटर्स भी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब वो मार्केट को फैलाना चाहते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मानना है कि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी, परफॉर्मेंस या इनोवेटिव फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं। हालांकि कई बार मैनेजर्स अपने प्रोडक्ट्स के दीवाने हो जाते हैं। वे बेहतर चूहादानी, बेटर माउस ट्रैप वाली गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो बेहतर प्रोडक्ट बना लेंगे तो लोग खुद ब खुद उनके पास आ जाएंगे। लेकिन कई स्टार्टअप कंपनीज को मुश्किल से सीखना पड़ा है कि कोई नया या बेहतर प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए सफल नहीं होगा क्योंकि इसकी कीमत सही हो, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, इकलाम हो और उसे सही तरीके से बेचा जाए। सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मानना है कि अगर कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को खुद पर छोड़ दिया जाए तो वो ज्यादा खरीदारी नहीं करेंगे। ये खासतौर पर उन प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा लागू होता है जिन्हें लोग खुद नहीं खरीदते, जैसे इंश्योरेंस और सेमेट्री प्लॉट्स। साथ ही ये तब भी लागू होता है जब कंपनीज के पास ज्यादा सामान बन चुका होता है और वो वही बेचना चाहते हैं जो बना चुके हैं, बजाय ये देखने कि मार्केट क्या मांग करती है। मार्केटिंग जो सिर्फ जबरदस्ती बेचने पर आधारित है खतरनाक होती है। ये मानता है कि कस्टमर्स को एक बार किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए राजी कर लिया जाए तो वो वापस न करके, उसकी बुराई न करके या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस में शिकायत न करके उबुनारा अगेन भी खरीद लेंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट 1950 के दशक के मध्य में ग्राहक, कस्टमर सेंटर्ड को ध्यान में रखते हुए और उनकी जरूरतों को समझकर सेंस एंड रिस्पॉन्ड काम करने वाले फिलॉसफी के रूप में सामने आया। इसका मुख्य काम ये नहीं है कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए सही कस्टमर्स ढूंढे जाएं, बल्कि ये है कि कस्टमर्स के लिए सही प्रोडक्ट्स ढूंढे जाएं। डेल कंपनी अपने टारगेट मार्केट के लिए पहले से तैयार पीसी या लैपटॉप नहीं बनाती है। वो इसके बजाय प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स देती है जिनमें हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से फीचर्स चुन सकता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मानना है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को पाने की कुंजी ये है कि कंपेटिटर्स से ज्यादा बेहतर तरीके से टारगेट मार्केट्स के लिए सुपीरियर कस्टमर वैल्यू बनाया जाए, पहुंचाया जाए और बताया जाए। हार्वर्ड के थियोडोर लेविट ने सेलिंग और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा, सेलिंग सेलर की जरूरतों पर ध्यान देता है, मार्केटिंग बायर की जरूरतों पर। सेलिंग का फोकस होता है सेलर को अपना प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमाने पर, मार्केटिंग का फोकस होता है प्रोडक्ट और उससे जुड़ी हर चीज, इसे बनाने से लेकर पहुंचाने और आखिर में इस्तेमाल करने तक के जरिए कस्टमर की जरूरतें पूरी करने पर। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। 21वीं सदी की शुरुआत में बदली हुई मार्केटिंग के ट्रेंड्स और ताकतों की वजह से बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि कंपनीज नए तौर तरीके अपना रही है। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस बात पर आधारित है कि मार्केटिंग प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज को किस तरह से डेवलप, डिजाइन और इस्तेमाल किया जाए, ये देखते हुए कि इन सबका व्यापक असर होता है और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग मानती है कि मार्केटिंग में हर चीज मायने रखती है और ज्यादातर मामलों में एक व्यापक और इंटीग्रेटेड नजरिया रखना जरूरी होता है। इस तरह होलिस्टिक मार्केटिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज की गुंजाइश और उनकी मुश्किलों को समझती है और हल निकालती है। फिगर 1.4 में होलिस्टिक मार्केटिंग के चार मेन कंपोनेंट्स का खाका दिया गया है, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हम पूरी किताब में इन विषयों पर चर्चा करेंगे। रिलेशनशिप मार्केटिंग। आजकल मार्केटिंग का एक मुख्य लक्ष्य होता है उन लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ गहरे और स्थायी रिश्ते बनाना जो सीधे तौर पर या फिर परोक्ष रूप से कंपनी की मार्केटिंग को सफल बनाने में मदद करते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग का लक्ष्य होता है कि जिन लोगों और ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी का लेन देन होता है उनके साथ लंबे समय तक चलने वाले संतोषजनक रिश्ते बनाए जाएं ताकि उनके साथ काम किया जा सके और उन्हें बरकरार रखा जा सके। रिलेशनशिप मार्केटिंग के चार मुख्य केंद्र होते हैं, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, मार्केटिंग पार्टनर्स जैसे चैनल्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, एजेंसीज और फाइनेंशियल कम्युनिटी के मेंबर्स जैसे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट्स।
मार्केटर्स को इन सबके साथ अच्छा रिश्ता बनाकर सबको फायदा पहुंचाना होता है और सभी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स के लिए मुनाफा कमाना होता है। उनके साथ मजबूत रिश्ता बनाने के लिए सबसे जरूरी है उनकी काबिलियतें और रिसोर्सेज, जरूरतें, लक्ष्य और इच्छाएं समझना। रिलेशनशिप मार्केटिंग का नतीजा। रिलेशनशिप मार्केटिंग का अंतिम परिणाम एक खास कंपनी एसेट, कंपनी की संपत्ति होता है, जिसे मार्केटिंग नेटवर्क कहते हैं। इसमें कंपनी और उसके सहायक स्टेक होल्डर्स, ग्राहक, कर्मचारी, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स वगैरह शामिल होते हैं, जिनके साथ उसने म्यूचुअली प्रॉफिटेबल, दोनों को फायदा देने वाले व्यापारिक रिश्ते बनाए हैं। इसका मूल सिद्धांत, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, आसान है कि स्टेकहोल्डर्स के साथ रिश्तों का एक प्रभावी नेटवर्क बनाएं और मुनाफा होगा। इसलिए ज्यादा कंपनियां अब फिजिकल एसेट्स, भौतिक संपत्ति रखने के बजाय ब्रद्स को अपनाना पसंद कर रही हैं और वो उन कामों को दूसरी कंपनीज को दे रही हैं जो वो बेहतर और कम खर्चे में कर सकती हैं। साथ ही ये कंपनियां हर ग्राहक को उनकी पिछली ट्रांजैक्शंस, खरीददारी, डेमोग्राफिक्स जानकारी, साइकोग्राफिक्स मनोविज्ञान संबंधी जानकारी और मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफरेंसेस मीडिया और वितरण पसंद के आधार पर अलग अलग ऑफर्स, सर्विसेज और मैसेजेस दे रही हैं। ये कंपनियां अपने सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स और चैनल्स पर ध्यान देकर प्रॉफिटेबल ग्रोथ, मुनाफे के साथ बढ़त हासिल करना चाहती हैं। वो हर ग्राहक की जिंदगी भर होने वाली कमाई का अनुमान लगाती हैं और उसी के हिसाब से अपने मार्केट ऑफरिंग्स और प्राइसेस तय करती हैं ताकि ग्राहक की पूरी जिंदगी में मुनाफा हो। मार्केटिंग को सिर्फ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM ही नहीं बल्कि पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट PRM भी कुशलता से करना होता है। कंपनियां की सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर काम करने की नीति को मजबूत कर रही हैं, क्योंकि वो उन्हें अंतिम ग्राहकों तक वैल्यू पहुंचाने में पार्टनर्स के रूप में देखती हैं, जिससे सबको फायदा होता है। IBM एक बड़ी बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है जिसने मजबूत कस्टमर बॉन्ड्स, ग्राहक संबंधों की अहमियत को समझा है। IBM ने 2011 में अपनी कंपनी की 100वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। ये कंपनी चुनौतीपूर्ण टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में दशकों से मार्केट लीडर बनी हुई है, जो इसे वाकई काबिले तारीफ बनाता है। इसने कई बार अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक बदला है और बड़ी आसानी से अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को समय के हिसाब से नया रूप दिया है, मेन फ्रेम से PCs तक और अब क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा और IT सर्विसेज पर जोर है। इसकी एक वजह यह है कि IBM की अच्छी तरह से ट्रेन सेल्स फोर्स और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपने ग्राहकों के साथ नजदीकी रिश्ता रखते हैं और उनकी जरूरतें अच्छी तरह से समझकर उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। IBM अक्सर ग्राहकों के साथ मिलकर प्रोडक्ट्स भी बनाती है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क स्टेट के साथ मिलकर उन्होंने टैक्स इवेजन रोकने का एक तरीका बनाया, जिससे अंदाजन 7 सालों में टैक्स पेयर्स के $1.6 बिलियन बचे। जैसा कि बिजनेस स्कूल की प्रसिद्ध प्रोफेसर मौसा ने कहा है, IBM एक टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी की मदद से हल करने वाली कंपनी है। आइसलैंड, जो पहले से ही 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में सबसे बड़े नुकसानों में से एक को झेल रहा था, को अप्रैल 2010 में निष्क्रिय ज्वालामुखी आईजफ चल्लाजुकुल के अप्रत्याशित रूप से विस्फोट होने के कारण और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसके राख के विशाल स्तंभों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हवाई यात्रा में सबसे बड़ा व्यवधान पैदा किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे यूरोप और अन्य जगहों पर नकारात्मक मीडिया कवरेज और लोगों में नाराजगी फैल गई। देश का लगभग 20% विदेशी मुद्रा पर्यटन से आने के साथ और बुकिंग में गिरावट के मद्देनजर सरकारी और पर्यटन अधिकारियों ने इंस्पायर्ड बाय आइसलैंड अभियान को शुरू करने का फैसला किया। यह अभियान एक महत्वपूर्ण समझ पर आधारित था कि आइसलैंड आने वाले 80% पर्यटक मित्रों और परिवार को इस जगह घूमने की सलाह देते हैं। देश के अपने नागरिकों को अपनी कहानियां सुनाने और वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक और विमियो के माध्यम से दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए नियुक्त किया गया था। योको ओनो और एरिक क्लैप्टन जैसी हस्तियों ने अपने अनुभव साझा किए और लाइव संगीत कार्यक्रमों ने प्रचार किया। देश भर में लगाए गए रियल टाइम वेब कैमरों से यह पता चला कि देश राख से ढका नहीं है बल्कि हरा भरा है। यह अभियान बेहद सफल रहा। दुनिया भर के लोगों द्वारा 22.5 मिलियन कहानियां बनाई गईं और उसके बाद की बुकिंग पूर्वानुमानों से काफी ऊपर रही। इंटरनल मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग का एक अहम हिस्सा है इंटरनल मार्केटिंग। इसका काम होता है ऐसे काबिल एम्प्लॉइज को हायर करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और मोटिवेट करना जो कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देना चाहते हों।
स्मार्ट मार्केटर्स ये समझते हैं कि कंपनी के अंदर होने वाली मार्केटिंग एक्टिविटीज भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं, या शायद उससे भी ज्यादा, जितनी कि कंपनी के बाहर की मार्केटिंग होती है। अगर कंपनी का स्टाफ ही बढ़िया सर्विस देने के लिए तैयार नहीं है तो कस्टमर से इसका वादा करने का कोई मतलब नहीं। मार्केटिंग सिर्फ तभी सफल होती है जब सारे डिपार्टमेंट्स ग्राहकों के लक्ष्य को पाने के लिए साथ मिलकर काम करें, जब इंजीनियरिंग सही प्रोडक्ट्स बनाए, फाइनेंस सही मात्रा में पैसे उपलब्ध कराए, परचेसिंग सही सामान खरीदे, प्रोडक्शन समय पर सही प्रोडक्ट्स तैयार करे और अकाउंटिंग मुनाफा मापे। कौन से कंपनी डिपार्टमेंट्स कस्टमर को सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हैं? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या वे कस्टमर से मिलने और उनकी समस्या सुनने में समय लगाते हैं? क्या वे किसी भी नए प्रोजेक्ट में मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे डिपार्टमेंट्स की भागीदारी का स्वागत करते हैं? क्या वे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखते हैं और सबसे बेहतर चीजें ढूंढते हैं? क्या प्रोजेक्ट के चलते वक्त वे कस्टमर्स की प्रतिक्रिया और सुझाव मांगते हैं? क्या वे लगातार मार्केट की प्रतिक्रिया के आधार पर प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं? परचेसिंग, क्या वे अच्छे सप्लायर्स को तलाश करने में प्रोएक्टिव हैं? क्या वे कम संख्या में मगर विश्वासपात्र और हाई क्वालिटी सप्लायर्स के साथ लंबे समय का संबंध बनाते हैं? क्या वे सस्ता होने के लिए गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करते? मैन्युफैक्चरिंग, क्या वे कस्टमर्स को अपने प्लांट्स में घूमने फिरने के लिए बुलाते हैं? क्या वे कस्टमर प्लांट्स, कस्टमर्स की सुविधाओं पर जाते हैं? क्या वे तय की गई डिलीवरी स्केड्यूल पर सामान पहुंचाने के लिए ओवरटाइम काम करने को तैयार रहते हैं? क्या वे लगातार कम समय में या कम लागत पर सामान बनाने के तरीके खोजते रहते हैं? क्या वे प्रोडक्ट क्वालिटी लगातार बेहतर बनाने के लिए जीरो डिफेक्ट्स का लक्ष्य रखते हैं? क्या वे जहां संभव हो कस्टमाइजेशन, ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार बदलाव करवाने की सुविधा देते हैं? मार्केटिंग, क्या वे अच्छी तरह से पहचानी गई मार्केट सेगमेंट्स में कस्टमर्स की जरूरतें और इच्छाएं पढ़ते हैं? क्या वे मार्केटिंग एफर्ट्स को टारगेट सेगमेंट से होने वाले दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म मुनाफे को ध्यान में रखकर बांटते हैं? क्या वे हर टारगेट सेगमेंट के लिए आकर्षक ऑफर्स बनाते हैं? क्या वे लगातार कंपनी इमेज और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मापते हैं? क्या वे नए प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स और सर्विसेज के लिए लगातार आइडियाज इकट्ठे करते रहते हैं और उनका मूल्यांकन करते रहते हैं? क्या वे सभी कंपनी डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज को कस्टमर को केंद्र में रखकर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं? सेल्स, बिक्री, क्या उन्हें कस्टमर्स के इंडस्ट्री, उद्योग का विशेष ज्ञान है? क्या वे कस्टमर्स को सबसे बेहतर उपाय देने की कोशिश करते हैं? क्या वे सिर्फ वही वादे करते हैं जिन्हें वे पूरा कर सकते हैं? क्या वे कस्टमर्स की जरूरतों और आइडियाज को प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं? क्या वे लंबे समय तक उन्हीं कस्टमर्स के साथ काम करते हैं? लॉजिस्टिक्स, क्या वे सर्विस डिलीवरी टाइम, ग्राहक तक सामान पहुंचने का समय के लिए उच्च मानक निर्धारित करते हैं और इस मानक को लगातार पूरा करते हैं? क्या वे जानकार और ग्राहक के अनुकूल कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट चलाते हैं जो सवालों का जवाब दे सके, शिकायतों को संभाल सके और समस्याओं का समाधान समय पर और संतोषजनक तरीके से कर सके? अकाउंटिंग, लेखा, क्या वे प्रोडक्ट, मार्केट सेगमेंट, भौगोलिक क्षेत्र, बिक्री क्षेत्र, ऑर्डर साइजेस, चैनल्स और इंडिविजुअल कस्टमर्स के हिसाब से समय समय पर लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं? क्या वे ग्राहक की जरूरतों के अनुसार चालान तैयार करते हैं और ग्राहकों के सवालों का जल्दी और विनम्रता से जवाब देते हैं? फाइनेंस, वित्त, क्या वे मार्केटिंग खर्च जैसे ब्रांड इमेज बनाने का विज्ञापन को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं जो लंबे समय में कस्टमर्स को कंपनी को पसंद करने और वफादार बनाते हैं? क्या वे वित्तीय पैकेज को ग्राहक की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार बनाते हैं? क्या वे कस्टमर क्रेडिट वर्दिनेस, ग्राहक की ऋण लेने की क्षमता पर जल्दी फैसला लेते हैं? पब्लिक रिलेशंस, जनसंपर्क, क्या वे कंपनी के बारे में अच्छी खबरें फैलाते हैं और खराब खबरों को कम करने का काम, डैमेज कंट्रोल, करते हैं? क्या वे कंपनी की बेहतर नीतियों और प्रथाओं के लिए आंतरिक ग्राहक और सार्वजनिक समर्थक के रूप में काम करते हैं? ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग करने के लिए डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये तालमेल सही मायने में तभी बन पाता है जब सीनियर मैनेजमेंट स्पष्ट रूप से बताए कि कंपनी की मार्केटिंग ओरिएंटेशन और फिलॉसफी किस तरह से कस्टमर्स की सेवा करती है। नीचे दिया गया उदाहरण मार्केटिंग को एकीकृत करने में आने वाली कुछ संभावित चुनौतियों को उजागर करता है। हाईलाइट, एक प्रमुख यूरोपीय एयरलाइन के मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट यातायात, ट्रैफिक, हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। उनकी रणनीति बेहतर भोजन, साफ सुथरे केबिन,
बेहतर प्रशिक्षित कैबिन क्रू और कम किराए देकर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने की है, लेकिन इन मामलों में उनका कोई अधिकार नहीं है। केटरिंग डिपार्टमेंट कम खर्चे में खाना उपलब्ध कराने वाला खाना चुनता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सफाई के लिए सस्ती सेवाओं का इस्तेमाल करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट लोगों को इस बात को ध्यान में रखे बिना नियुक्त करता है कि वो स्वाभाविक रूप से मिलनसार हैं या नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट किराए तय करता है। चूंकि ये विभाग आमतौर पर लागत या उत्पादन के नजरिए से देखते हैं, इसलिए मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाने में असफल रहते हैं। इंटरनल मार्केटिंग के लिए सीनियर मैनेजमेंट के साथ वर्टिकल अलाइनमेंट, ऊर्ध्वाधर संरेखण और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, क्षैतिज संरेखण की जरूरत होती है, ताकि हर कोई मार्केटिंग के प्रयासों को समझे, उनकी सराहना करे और उनका समर्थन करे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मार्केटिंग एक्टिविटीज और प्रोग्राम से व्यापार और समाज को होने वाले वित्तीय और गैर वित्तीय लाभ को समझना शामिल होता है। जैसा कि पहले बताया गया था, ज्यादा से ज्यादा मार्केटर्स अब सिर्फ बिक्री से होने वाले रेवेन्यू को देखने के बजाय मार्केटिंग स्कोर कार्ड को गौर से देख रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मार्केट शेयर, कस्टमर लॉस रेट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी और दूसरी चीजों पर क्या असर हो रहा है। वो मार्केटिंग एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स के कानूनी, नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर भी गौर कर रहे हैं। बेन जेरीज की स्थापना करते समय बेन कोहेन और जेरी ग्रीनफील्ड ने परफॉर्मेंस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अपनाया था। उन्होंने पारंपरिक वित्तीय मुनाफे को डबल बॉटम लाइन, दोहरे मुनाफे में बांट दिया था, जिसमें उनके प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को भी मापा जाता था। बाद में इसे ट्रिपल बॉटम लाइन, तिहरे मुनाफे में बदल दिया गया, ताकि कंपनी की सभी व्यावसायिक गतिविधियों के सामाजिक प्रभावों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को दर्शाया जा सके। कई कंपनियां अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रही हैं और ग्राहक ज्यादा जिम्मेदाराना व्यवहार की मांग कर रहे हैं। एक शोध अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया भर में कम से कम एक तिहाई कंज्यूमर्स का मानना है कि बैंक्स, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स और पैकेज्ड फूड कंपनीज पर ज्यादा सख्त नियम होने चाहिए। समझने के लिए अहम बातें। इंटर डिपार्टमेंटल हार्मनी। इसका मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल या अच्छे संबंध होना। मार्केटिंग ओरिएंटेशन। इसका मतलब है कि कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से कस्टमर्स की जरूरतों और उनको संतुष्ट करने पर है। अनुवाद। संगठन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच सामंजस्य बनाकर रखने पर मार्केटिंग को सही तरीके से लागू किया जा सकता है। हालांकि यह सामंजस्य तभी बन पाता है जब सीनियर मैनेजमेंट अपनी कंपनी के मार्केटिंग ओरिएंटेशन और फिलॉसफी से कस्टमर्स की सेवा कैसे होती है यह स्पष्ट तौर पर बताए। नीचे दिया गया उदाहरण बताता है कि मार्केटिंग को पूरी तरह से लागू करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं। एक बड़ी यूरोपियन एयरलाइन के मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट उस एयरलाइन के यात्रियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी है कि खाना अच्छा करके, कैबिन साफ सुथरे रखकर, कैबिन क्रूज को बेहतर ट्रेनिंग देकर और किराया कम करके कस्टमर्स को खुश रखा जाए, लेकिन इन मामलों में उनका कोई अधिकार नहीं है। केटरिंग डिपार्टमेंट ऐसा खाना चुनता है जिससे लागत कम हो। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सस्ती क्लीनिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट लोगों को हायर करते समय यह नहीं देखा जाता कि वे स्वभाव से मिलनसार हैं या नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट किराए का फैसला करता है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स आमतौर पर लागत या प्रोडक्शन के हिसाब से सोचते हैं, मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाने की अपनी कोशिशों में नाकामयाब हो जाते हैं। इंटरनल मार्केटिंग के लिए सीनियर मैनेजमेंट के साथ वर्टिकल अलाइनमेंट की जरूरत होती है, जिससे सब डिपार्टमेंट्स मार्केटिंग के प्रयासों को समझें, सराहें और उनका समर्थन करें। परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मार्केटिंग के कामों और प्रोग्राम से होने वाले आर्थिक और गैर आर्थिक फायदों को समझना होता है। जैसा कि पहले बताया गया है, बड़े मार्केटर्स अब रेवेन्यू के अलावा मार्केटिंग स्कोर कार्ड देखने लगे हैं, ताकि वो यह समझ सकें कि मार्केट शेयर, कस्टमर लॉस रेट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी और अन्य पैमानों में क्या बदलाव हो रहा है। साथ ही वे मार्केटिंग के कार्यों और प्रोग्राम्स के कानूनी, नैतिक, सामाजिक और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी ध्यान देते हैं। बेन जेरीज की स्थापना करते समय बेन कोहेन और जेरी ग्रीनफील्ड ने परफॉर्मेंस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अपनाया, जिसमें ट्रेडिशनल फाइनेंशियल बॉटम लाइन को डबल बॉटम लाइन में बदला गया। इस तरह उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस के पर्यावरणीय प्रभाव, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी नापना शुरू किया। बाद में इसे ट्रिपल बॉटम लाइन बनाया गया, ताकि कंपनी के कार्यों के सामाजिक असर, चाहे वे अच्छे हों या बुरे,
भी देखे जा सके। कई कंपनियां अपने कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाई हैं और अब कंज्यूमर्स ज्यादा जिम्मेदार व्यवहार की मांग कर रहे हैं। 59 रिसर्च स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में कम से कम एक तिहाई कंज्यूमर्स मानते हैं कि बैंक्स, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स और पैकेज्ड फूड कंपनीज पर सख्त नियम होने चाहिए। 4PS को अपडेट करना। कई साल पहले मकार्थी ने अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटीज को 4 हिस्सों वाली मार्केटिंग मिक्स में बांटा, जिन्हें उन्होंने मार्केटिंग के 4PS कहा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। 61 प्रत्येक पी के अंदर आने वाले मार्केटिंग वेरिएबल्स फिगर 1.5 में दिखाए गए हैं। मार्केटिंग इनसाइट अंडरस्टैंडिंग द 4 एज ऑफ मार्केटिंग में 4PS को समझाया गया है। हालांकि मार्केटिंग बहुत व्यापक, जटिल और प्रभावशाली है, जैसा कि होलिस्टिक मार्केटिंग से पता चलता है, इसलिए अब केवल 4P काफी नहीं माने जाते। अगर हम इन्हें होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपडेट करें तो हम ऐसे शब्दों की सूची बना पाएंगे जो आज के समय की मार्केटिंग रियलिटीज को ज्यादा सही तरीके से दर्शाती है। पीपल, प्रोसेसेस, प्रोग्राम्स और परफॉर्मेंस, जैसा कि फिगर 1.6 में दिखाया गया है। पीपल इस शब्द से इंटरनल मार्केटिंग का पता चलता है और साथ ही यह भी कि एम्प्लॉइज मार्केटिंग की सफलता के लिए कितने अहम है। मार्केटिंग तभी अच्छी होगी जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग अच्छे होंगे। यह इस बात को भी बताता है कि मार्केटर्स को कंज्यूमर्स को कस्टमर्स से ज्यादा समझना चाहिए ताकि वे उनकी जिंदगियों को व्यापक रूप से समझ सकें, सिर्फ ऐसे लोगों के रूप में नहीं जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदते हैं। प्रोसेसेस इससे पता चलता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में कितनी क्रिएटिविटी, नियमों का पालन और स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। मार्केटर्स को कामचलाऊ तरीके से प्लानिंग करने और फैसले लेने से बचना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मार्केटिंग के नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल उन सभी कामों में सही तरह से हो जिनमें दीर्घकालिक रूप से लाभदायक संबंध बनाना और इनसाइट्स, बेहतरीन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और मार्केटिंग एक्टिविटीज को सोचना शामिल है। प्रोग्राम्स इसमें कंपनी के वे सभी काम शामिल हैं जो कंज्यूमर के लिए किए जाते हैं। इसमें पुराने 4PS तो शामिल हैं ही, साथ ही अन्य कई मार्केटिंग एक्टिविटीज भी हैं जो शायद मार्केटिंग के पुराने तरीकों में बिल्कुल सही से ना आती हों। फिर चाहे ये एक्टिविटीज ऑनलाइन हों या ऑफलाइन, पारंपरिक हों या अपारंपरिक, इन्हें इस तरह से जोड़ना चाहिए कि इनका मिलाजुला असर इन अकेले अकेले कामों से ज्यादा हो और वे कंपनी के कई उद्देश्यों को पूरा करें। परफॉर्मेंस होलिस्टिक मार्केटिंग के अनुसार परफॉर्मेंस के मायने हैं ऐसे कई नतीजों का मिलना जिनका असर आर्थिक और गैर आर्थिक रूप से हो, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ही ब्रांड और कस्टमर इक्विटी पर हो और कंपनी से बाहर भी हो, सामाजिक जिम्मेदारी, कानूनी, नैतिक और पर्यावरण पर हो। अंत में ये नए 4PS वास्तव में कंपनी की सभी शाखाओं पर लागू होते हैं और इस तरह से सोचने से मैनेजर्स कंपनी के अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट के काम फिगर 1.7 में बाजार की 3 बड़ी ताकतों, बाजार के 2 मुख्य नतीजों और होलिस्टिक मार्केटिंग के 4 अहम स्तंभों के बारे में बताया गया है। ये सब आज की मार्केटिंग की रियलिटीज को सही तरह से समझने में मदद करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से हम उन कामों के बारे में जान पाएंगे जिनसे मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग लीडरशिप सफल होती है। हम नीचे दिए गए उदाहरण का इस्तेमाल करके इन कार्यों को किताब की योजना के संदर्भ में समझाएंगे। मार्केटिंग मेमो, मार्केटर्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मार्केटिंग मैनेजर्स द्वारा पूछे जाने वाले सवालों की एक अच्छी चेकलिस्ट है। इन सभी सवालों के बारे में इस किताब में बताया गया है। ज़ूस इनकॉर्पोरेटेड बदला हुआ नाम कई इंडस्ट्रीज में काम करती है, जैसे कि केमिकल्स, कैमरास और फिल्म। इस कंपनी में कई SBUs हैं। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट यह सोच रही है कि वह अपने एटलास कैमरा डिवीजन का क्या करे जो कई तरह के प्रोफेशन क्वालिटी 35mm और कंज्यूमर फ्रेंडली डिजिटल कैमरास बनाता है। हालांकि ज़ूस का मार्केट शेयर काफी है और उसे राजस्व हो रहा है, लेकिन 35mm का बाजार काफी तेजी से घट रहा है। तेजी से बढ़ रहे डिजिटल कैमरा सेगमेंट में ज़ूस को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और उसकी बिक्री धीमी गति से बढ़ रही है। ज़ूस की कॉर्पोरेट मैनेजमेंट चाहती है कि एटलास का मार्केटिंग ग्रुप डिवीजन के लिए एक मजबूत टर्नअराउंड प्लान बनाए। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और प्लान्स बनाना। एटलास के सामने पहला काम है अपने मार्केट एक्सपीरियंस और कोर कॉम्पिटेंसीज चैप्टर 2 को देखें के हिसाब से दीर्घकालिक मौकों को पहचानना। एटलास अपने कैमरास में ऐसे फीचर्स ला सकता है जो और भी बेहतर हों। वह डिजिटल वीडियो कैमरास की एक पूरी रेंज बना सकता है
या वह ऑप्टिक्स में अपनी को कॉम्पिटेंसी का इस्तेमाल करके बायनोक्यूलर्स और टेलीस्कोप्स की एक रेंज बना सकता है। चाहे जो भी दिशा चुने, उसे ठोस मार्केटिंग प्लान्स बनाने होंगे जिनमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स के बारे में बताया गया हो। मार्केटिंग इनसाइट्स को समझना। एटलास को एक भरोसेमंद मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत है जिससे वो अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट पर नजर रख सके ताकि मार्केट पोटेंशियल का लगातार आकलन कर सके और डिमांड को समझ सके। इसके माइक्रो एनवायरनमेंट में वे सभी शामिल हैं जो कैमरास बनाने और बेचने की इसकी क्षमता पर असर डालते हैं, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स और कॉम्पेटिटर्स। इसके मैक्रो एनवायरनमेंट में वे डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल और सोशल कल्चरल ताकतें शामिल हैं जो सेल्स और प्रॉफिट्स को प्रभावित करती हैं। चैप्टर 3 देखें। एटलास को एक भरोसेमंद मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम की भी जरूरत है। स्ट्रैटेजी को प्रोग्राम्स में बदलने के लिए मार्केटिंग मैनेजर्स को खर्चों, गतिविधियों, एक्टिविटीज और बजट एलोकेशंस के बारे में बुनियादी फैसले लेने होंगे। वे उन सेल्स रिस्पॉन्स फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो दिखाते हैं कि हर एप्लीकेशन पर कितना पैसा खर्च करने से सेल्स और प्रॉफिट्स पर क्या असर होगा। चैप्टर 4 देखें। कस्टमर्स के साथ जुड़ना। एटलास को सोचना चाहिए कि वो अपने चुने गए टारगेट मार्केट्स के लिए वैल्यू कैसे पैदा करे और कस्टमर्स के साथ मजबूत, फायदेमंद और लंबे समय तक चलने वाले संबंध कैसे बनाए। चैप्टर 5 देखें। ऐसा करने के लिए उसे कंज्यूमर मार्केट्स को समझना होगा। चैप्टर 6 देखें। कैमरा कौन और क्यों खरीदता है, उन्हें कौन से फीचर्स और कौन सी कीमतें चाहिए और वे खरीदारी कहां करते हैं। एटलास बड़े कॉरपोरेशंस, प्रोफेशनल फर्म्स, रिटेलर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज सहित बिजनेस मार्केट्स को भी 35mm कैमरा बेचता है। चैप्टर 7 देखें, जहां परचेसिंग एजेंट्स या बाइंग कमिटीज फैसले लेते हैं। एटलास को पूरी तरह से समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स किस तरह से खरीदारी करते हैं। इसके लिए एक ऐसे सेल्स फोर्स की जरूरत है जिसे प्रोडक्ट बेनिफिट्स को बताने में अच्छी ट्रेनिंग मिली हो। एटलास को बदलते ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और चुनौतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। चैप्टर 8 देखें। स्ट्रॉन्ग ब्रथ्स बनाना। एटलास शायद सभी मुमकिन कस्टमर्स को टारगेट नहीं करना चाहे। इसे मार्केट को बड़े मार्केट सेगमेंट्स में बांटना चाहिए, प्रत्येक का मूल्यांकन करना चाहिए और फिर उन्हें टारगेट करना चाहिए जिन्हें वह सबसे अच्छी तरह से सर्व कर सकता है। चैप्टर 9 देखें। मान लीजिए एटलास कंज्यूमर मार्केट पर ध्यान देने और एक पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बनाने का फैसला करता है। चैप्टर 10 देखें। क्या उसे एक कैडिलैक ब्रांड की तरह खुद को दिखाना चाहिए जो शानदार कैमरा, अच्छी कीमत पर, बढ़िया सर्विस और अच्छे एडवर्टाइजिंग के साथ बेचता है। क्या उसे आसान कम कीमत वाले कैमरा बनाने चाहिए जो ज्यादा प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर्स को टारगेट करें, या इन दोनों के बीच का कुछ। एटलास को जूस ब्रांड की अच्छाइयों और कमजोरियों को समझना चाहिए जैसा कि कस्टमर्स देखते हैं। चैप्टर 11 देखें। क्या डिजिटल कैमरा के मार्केट में इसका 35mm फिल्म वाला अतीत एक कमजोरी बन जाएगा। एटलास को कॉम्पिटिटर्स पर भी नजर रखते हुए ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचना चाहिए। चैप्टर 12 उनके कदमों को भांपना चाहिए और यह जानना चाहिए कि जल्दी से और निर्णायक तरीके से कैसे रिएक्ट करना है। शायद वह कुछ चौंकाने वाले कदम उठाना चाहे, इस मामले में उसे पहले से सोचना होगा कि उसके कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे। मार्केटर्स के अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। हम सही मार्केट सेगमेंट S को कैसे पहचाने और चुने। हम अपने ऑफरिंग्स को अलग कैसे दिखाएं। हम उन कस्टमर्स को क्या जवाब दें जो सिर्फ कीमत देखकर खरीदते हैं। हम कम लागत वाले, कम कीमत वाले कॉम्पिटिटर्स से कैसे मुकाबला करें। हम प्रत्येक कस्टमर के लिए अपने ऑफरिंग को किस हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं। हम और मजबूत ब्रथ्स कैसे बनाएं। हम कस्टमर एक्विजिशन की लागत को कैसे कम करें। हम अपने कस्टमर्स को लंबे समय तक कैसे लॉयल रखें। हम कैसे बताएं कि कौन से कस्टमर्स ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के अलग अलग प्रकारों के पेबैक को कैसे मापें। हम सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी को कैसे सुधारें। हम कई चैनल्स कैसे बनाएं और उनमें किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करें। हम कंपनी के अन्य डिपार्टमेंट्स को कस्टमर ओरिएंटेड होने के लिए कैसे कहें। वैल्यू बनाना। मार्केटिंग प्रोग्राम के केंद्र में होती है प्रोडक्ट, यानी कंपनी की वह चीज या सेवा जो बाजार में बेची जाती है। इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स और पैकेजिंग शामिल हैं। देखें चैप्टर 13। कंपिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए एटलास अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग के साथ ही लीसिंग, डिलीवरी, रिपेयर और ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं भी दे सकता है। देखें चैप्टर 14। अपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग के आधार पर
एटलास को लंबे समय के लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग और लॉन्चिंग करने होंगे, देखें चैप्टर 15। प्राइस भी मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है, देखें चैप्टर 16। एटलास को होलसेल और रिटेल प्राइसेस, डिस्काउंट्स, अलाउंसेस और क्रेडिट टर्म्स तय करने होंगे। इसकी प्राइस को ऑफर के परसीव्ड वैल्यू से मेल खाना चाहिए, वरना बायर्स कॉम्पेटिटर्स के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। वैल्यू को पहुंचाना। एटलास को यह भी तय करना चाहिए कि वह अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में जो वैल्यू है उसे सही तरीके से टारगेट मार्केट तक कैसे पहुंचाए। इसके लिए उसे चैनल एक्टिविटीज में शामिल होना होगा, यानी वे काम जो कंपनी को अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए करने पड़ते हैं, देखें चैप्टर 17। एटलास को अलग अलग मार्केटिंग फैसिलिटेटर्स को पहचानना, उनसे जुड़ना और उन्हें जोड़ना होगा ताकि उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाजार में सही तरह से पहुंच सकें। उसे रिटेलर्स, होलसेलर्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स के अलग अलग प्रकारों के बारे में समझना चाहिए और जानना चाहिए कि वे कैसे अपने फैसले लेते हैं, देखें चैप्टर 18। वैल्यू को बताना। एटलास को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वैल्यू को टारगेट मार्केट तक सही तरीके से पहुंचाना होगा। इसके लिए उसे एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम बनाने की जरूरत होगी, जिससे कि सभी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज से ज्यादा फायदा हो, देखें चैप्टर 19। एटलास को मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स बनाने होंगे, जिनमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स और पब्लिक रिलेशंस शामिल हों, देखें चैप्टर 21। उसे ऑनलाइन, सोशल मीडिया और मोबाइल ऑप्शंस का इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स से संपर्क करना चाहिए, देखें चैप्टर 20। एटलास को डायरेक्ट मार्केटिंग, डेटाबेस मार्केटिंग जैसे ज्यादा पर्सनल कम्युनिकेशंस के प्लान्स भी बनाने होंगे। साथ ही उसे सेल्स पर्सन्स को हायर, ट्रेन और मोटिवेट करना होगा, देखें चैप्टर 22। लंबे समय तक कामयाबी पाने के लिए मार्केटिंग को जिम्मेदारी से करना। अंत में एटलास को एक ऐसा मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो मार्केटिंग प्लान को जिम्मेदारी से लागू कर सके, देखें चैप्टर 23। क्योंकि मार्केटिंग प्लान्स को लागू करते समय कई बार चौंकाने वाली चीजें या निराशाएं हो सकती हैं, एटलास को फीडबैक और कंट्रोल की जरूरत होगी ताकि वह अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज को समझ सके, देख सके कि वे कितने इफेक्टिव हैं और जान सके कि उनमें सुधार कैसे किया जा सकता है। समरी: एक, मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है और इसमें कई सारी प्रोसेसेस शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल वैल्यू बनाने, उसे कस्टमर्स तक पहुंचाने और कस्टमर रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इन सब चीजों से ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्टेक होल्डर्स को फायदा होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक कला और विज्ञान है जिसमें टारगेट मार्केट्स को चुनना और कस्टमर्स को पाना, बनाए रखना और बढ़ाना शामिल है। इसके लिए सुपीरियर कस्टमर वैल्यू को बनाना, डिलीवर करना और कम्युनिकेट करना होता है। दो मार्केटर्स डिमांड को मैनेज करने में माहिर होते हैं। वे गुड्स, सर्विसेज, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, पर्सन्स, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इन्फॉर्मेशन और आइडियाज के लिए डिमांड के लेवल, टाइमिंग और कॉम्पोजिशन को प्रभावित करना चाहते हैं। एक मजबूत मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए मार्केटर्स को दूसरे डिपार्टमेंट्स के एग्जीक्यूटिव्स की तरह सोचना होगा और दूसरे डिपार्टमेंट्स के एग्जीक्यूटिव्स को भी मार्केटर्स की तरह सोचना होगा। तीन, मार्केटिंग केवल मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं करता, बल्कि पूरी कंपनी करती है। कस्टमर वैल्यू बनाने और कस्टमर्स के साथ मजबूत रिलेशनशिप्स बनाने में कंपनी के सभी एग्जीक्यूटिव्स और डिपार्टमेंट्स का एक अहम योगदान होता है। चार, आज का बाजार काफी बदल गया है, क्योंकि कई सामाजिक ताकतों के कारण कंज्यूमर्स और कंपनीज के पास कई नए मौके और क्षमताएं हैं। खास तौर पर टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने नए मौके और चुनौतियां पैदा की हैं और मार्केटिंग मैनेजमेंट में काफी बदलाव किए हैं। कंपनीज मार्केटिंग एक्सीलेंस पाने के लिए पुराने, भरोसेमंद तरीकों और बिल्कुल नए तरीकों में संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। पांच, ऑर्गेनाइजेशंस अपना बिजनेस करने के लिए पांच कॉन्सेप्ट्स में से कोई एक कॉन्सेप्ट चुन सकते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इनमें से पहले तीन कॉन्सेप्ट्स का आज के जमाने में कम इस्तेमाल होता है। छह, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस बात पर आधारित है कि मार्केटिंग प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज को किस तरह से डेवलप, डिजाइन और इम्प्लीमेंट किया जाता है और कैसे ये अलग अलग चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग में माना जाता है कि मार्केटिंग से जुड़ी सभी चीजें अहम होती हैं और कई बार एक ब्रॉड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव अपनाना जरूरी होता है। होलिस्टिक मार्केटिंग के चार अहम स्तंभ हैं: रिलेशनशिप मार्केटिंग,
इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सात, सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और प्लान्स डेवलप किए जाएं, मार्केटिंग इनसाइट्स हासिल की जाएं, कस्टमर्स से जुड़ा जाए, स्ट्रॉन्ग ब्रथ्स बनाए जाएं, वैल्यू बनाई जाए, डिलीवर और कम्युनिकेट की जाए और दीर्घकालिक रूप से बढ़ने की कोशिशें की जाएं। नाइकी। नाइकी ने अपनी शुरुआत तेजी से की थी। 1962 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से शुरू हुई इस कंपनी का ध्यान एथलीट्स द्वारा एथलीट्स के लिए बनाए गए उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी वाले रनिंग शूज उपलब्ध कराने पर था। संस्थापक फिलिप नाइट का मानना था कि अगर विदेशों से इंपोर्ट किया जाए तो रनर्स के लिए हाईटेक शूज को कम्पिटिटिव कीमतों पर बनाया जा सकता है। नाइकी ने सीरियस एथलीट्स के लिए नए नए फुटवियर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता से अमेरिका में कंज्यूमर्स के बीच एक अलग पहचान बनाई। नाइकी एक पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस में विश्वास करता था, जिसके अनुसार कुछ टॉप एथलीट्स के चुनाव दूसरों के प्रोडक्ट और ब्रांड के चुनाव को प्रभावित करते हैं। नाइकी के मार्केटिंग कैंपेन्स में हमेशा ही सफल एथलीट्स शामिल रहे हैं। उदाहरण के लिए रनर स्टीव प्रीफोंटेन कंपनी के पहले स्पोक्सपर्सन थे और उनका अपने काम के प्रति रवैया, जो थोड़ा अलग था, नाइकी के जोश से मेल खाता था। 1985 में नाइकी ने उस समय के रुकी गार्ड माइकल जॉर्डन को अपना स्पोक्सपर्सन बनाया। जॉर्डन उस वक्त उभरते हुए खिलाड़ी थे, लेकिन वह बेहतरीन परफॉर्मेंस के प्रतीक थे। नाइकी का यह दाव सफल रहा। एयर जॉर्डन बास्केटबॉल शूज तेजी से बिकने लगे और पहले ही साल में $100 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू हुआ। जैसा कि एक रिपोर्टर ने कहा है, बहुत कम ही मार्केटर्स ऐसे एथलीट्स को इतनी आसानी से पहचान और चुन पाते हैं जो अपने खेल का एक बड़ा नाम बन जाए। 1988 में नाइकी ने अपने $20 मिलियन के जस्ट डू इट एड कैंपेन में पहली बार एड्स दिखाए। इस कैंपेन में, जिसमें कुल 12 टीवी स्पॉट्स दिखाए गए थे, बड़ी ही चतुराई से खेलों के प्रति उत्साही लोगों की एक पूरी पीढ़ी को अपने लक्ष्यों को पाने की चुनौती दी गई। यह स्पोर्ट्स के माध्यम से सेल्फ एम्पावरमेंट पाने के नाइकी के रवैये का एक बिल्कुल स्वाभाविक रूप था। नाइकी का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। जब नाइकी का विदेशों में विस्तार शुरू हुआ, तब कंपनी ने महसूस किया कि US में जो एड्स दिखाए जाते हैं, उन्हें यूरोप, एशिया और साउथ अमेरिका में बहुत एग्रेसिव समझा जाता है। नाइकी को समझ में आया कि उसे दूसरे देशों में अपने ब्रांड को ऑथेंटिकेट करना होगा, इसलिए उसने सॉकर, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर फुटबॉल कहा जाता है, पर ध्यान दिया और यूथ लीग्स, लोकल क्लब्स और नेशनल टीम्स का स्पॉन्सर बनने लगा। हालांकि सॉकर के ऑडियंस के बीच ऑथेंटिसिटी बनाने के लिए कंज्यूमर्स को प्रोफेशनल एथलीट्स को नाइकी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते देखना था, खास तौर पर ऐसे एथलीट्स को जो जीतते थे। नाइकी को अपना बड़ा ब्रेक 1994 में मिला, जब ब्राजीलियन टीम, नाइकी जिस एकमात्र नेशनल टीम का बड़ा स्पॉन्सर था, ने वर्ल्ड कप जीता। इस जीत ने नाइकी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को एक स्नीकर कंपनी से बदलकर ऐसे ब्रांड में कर दिया जो इमोशन, अलीजियंस और आइडेंटिफिकेशन को दिखाता था। सॉकर के साथ नाइकी की इस नई साझेदारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड के डेवलपमेंट में तेजी लाने में मदद की। 2003 में पहली बार ओवरसीज रेवेन्यूज ने US रेवेन्यूज को पार कर लिया और 2007 में नाइकी ने अम्ब्रो को खरीद लिया, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी और सॉकर से जुड़े फुटवियर, अपैरल और इक्विपमेंट बनाती थी। इस अधिग्रहण एक्विजिशन ने नाइकी को दुनिया भर में 100 से अधिक प्रोफेशनल सॉकर टीम्स का इकलौता सप्लायर बना दिया और इसने सॉकर में नाइकी की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति और ऑथेंटिसिटी को बढ़ा दिया। कंपनी ने 2012 में अम्ब्रो को $225 मिलियन में बेच दिया। हाल के वर्षों में नाइकी ने उभरते हुए बाजारों पर अपना ध्यान लगाया है। 2008 समर ओलंपिक्स के दौरान, जो बीजिंग में हुए, नाइकी ने चाइना पर ध्यान दिया और एक एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई ताकि ओलंपिक गेम्स के स्पॉन्सर एडिडास से मुकाबला किया जा सके। नाइकी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से विशेष अनुमति मिली कि वह गेम्स के दौरान नाइकी एड्स दिखा सके जिनमें ओलंपिक एथलीट्स थे। इसके साथ ही नाइकी ने कई टीम्स और एथलीट्स को स्पॉन्सर भी किया, जिनमें ज्यादातर चाइनीज टीम्स थी। इस एग्रेसिव स्पॉन्सरशिप स्ट्रेटजी से एशियन क्षेत्र में सेल्स 15% से बढ़ गए। विदेशों में विस्तार करने के साथ ही नाइकी ने अपने ब्रांड को कई स्पोर्ट्स और एथलेटिक कैटेगरीज में सफलतापूर्वक विस्तारित किया है, जिनमें फुटवियर, अपैरल और इक्विपमेंट शामिल हैं। नाइकी इन कैटेगरीज में क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए हाई प्रोफाइल और प्रभावशाली एथलीट्स, कोचेस, टीम्स और लीग्स के साथ साझेदारी करता रहता है। उदाहरण के लिए,
नाइकी ने अपने टेनिस क्लोदिंग और गियर को आगे बढ़ाने के लिए टेनिस स्टार्स मरिया, रोजर फेडरर और राफेल नडाल के साथ काम किया। कुछ लोगों ने रोजर फेडरर और राफेल नडाल, जो दोनों ही टॉप से बॉटम तक नाइकी के कपड़े पहने थे, के बीच में हुए 2008 के मशहूर विंबलडन मैच को 10.6 मिलियन का 5 घंटे लंबा नाइकी कमर्शियल कहा। अपने बास्केटबॉल शूज और अपैरल के प्रचार के लिए नाइकी ने ब्रायंट और ब्रॉन जेम्स जैसे बास्केटबॉल सुपरस्टार्स के साथ पार्टनरशिप की है। गोल्फ में नाइकी का स्वश कई गोल्फर्स पर दिखता है, लेकिन यह टाइगर वुड्स पर सबसे मशहूर दिखता है। जिन वर्षों में नाइकी और वुड्स के बीच साझेदारी हुई, उनमें नाइकी गोल्फ $523 मिलियन का बिजनेस बन गया और इसने गोल्फर्स के कपड़े पहनने और खेलने के तरीके को बदल दिया। गेम पर टाइगर के शक्तिशाली प्रभाव और उनकी नाइकी से सजी स्टाइल ने बड़े टूर्नामेंट्स में गोल्फ कोर्स को गोल्फ के फैशन रनवे में बदल दिया है। नाइकी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। नाइकी दुनिया में एथलीट्स का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है और इसका 2012 से 2017 के बीच एथलेटिक एंडोर्समेंट्स पर $3 बिलियन से अधिक खर्च करने का प्लान है। कंपनी के अपने एथलीट्स के साथ खड़े होने का भी इतिहास रहा है, जैसे कि टाइगर वुड्स और ब्रायंट के, जब वे अपनी निजी समस्याओं से जूझ रहे थे। हालांकि जब पुख्ता सबूत मिले कि लैंस आर्मस्ट्रांग ने एथलीट रहते हुए और 7 टू डी फ्रांसिस के दौरान डोपिंग की थी, तो नाइकी ने उनसे अपना रिश्ता 2012 में तोड़ लिया। नाइकी का एक बयान आया था जिसमें लिखा था, नाइकी किसी भी तरह से इलीगल परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स के इस्तेमाल को सही नहीं मानता। इस स्कैंडल से पहले कंपनी ने आर्मस्ट्रांग के लाइफस्ट्रांग कैंपेन की मदद की थी, जिससे कैंसर के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सके। नाइकी ने 80 मिलियन से ज्यादा पीले लाइफस्ट्रांग ब्रेसलेट्स को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और बेचा था, जिससे लैंस आर्मस्ट्रांग फाउंडेशन के लिए $500 मिलियन इकट्ठे हुए थे। नाइकी के एथलेटिक एंडोर्समेंट से उसे कंज्यूमर्स को इंस्पायर करने और उन तक पहुंचने में काफी मदद मिलती है, लेकिन हाल में टेक्नोलॉजी में आए बदलावों से ऐसे कंज्यूमर्स मिले हैं जो ज्यादा लॉयल हैं और जिनका नाइकी के साथ भावनात्मक संबंध है। उदाहरण के लिए नाइकी का रनिंग कैटेगरी में 60% मार्केट शेयर हो गया है, जिसका श्रेय इसके रेवोल्यूशनरी रनिंग एप्लीकेशन और कम्युनिटी नाइकी प्लस प्लस को जाता है। नाइकी प्लस से रनर्स बहुत ही बेहतरीन रनिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि इससे वे अपनी रियल टाइम पेस, डिस्टेंस और राउट देख सकते हैं और कोचिंग टिप्स पा सकते हैं और ऑनलाइन शेयरिंग कर सकते हैं। नाइकी ने नाइकी प्लस को बड़ा किया है ताकि वह बास्केटबॉल और एक्सरसाइज जैसे ग्रोथ एरियाज पर ध्यान दे सके। हाल ही में इसने नाइकी प्लस बास्केटबॉल, नाइकी प्लस काइनेक्ट और नाइकी प्लस फ्यूल बैंड शुरू किया है, जो एक ब्रेसलेट ऐप है जो रोज की एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। कई कंपनियों की तरह नाइकी अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स को ज्यादा इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई कंपनीज के विपरीत नाइकी इन कोशिशों का प्रचार नहीं करता। एक ब्रांड कंसल्टेंट ने बताया, नाइकी हमेशा जीतने के बारे में रहा है। सस्टेनेबिलिटी उसके ब्रांड के लिए कैसे रेलेवेंट है? नाइकी के एग्जीक्यूटिव्स इस बात से सहमत हैं कि एक इको फ्रेंडली मैसेज से उसकी आकर्षक हाईटेक इमेज खराब हो जाएगी, इसलिए पुरानी शूज की रिसाइकलिंग करके नई शूज बनाने जैसी कोशिशों की जानकारी सबको नहीं दी जाती। दुनिया भर के जियोग्राफिक मार्केट्स और प्रोडक्ट कैटेगरीज में सफलतापूर्वक विस्तार के कारण नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी एथलेटिक अपैरल और फुटवियर बनाने वाली कंपनी है। 2014 में इसका रेवेन्यू $27 बिलियन से अधिक था और एथलेटिक फुटवियर मार्केट में नाइकी का बोलबाला था। दुनिया भर में इसका मार्केट शेयर 31% और यूनाइटेड स्टेट्स में 50% है। नाइकी का स्वश रिस्ट वॉचेस से लेकर स्केटबोर्ड्स और स्विमिंग कैप्स तक हर चीज पर दिखता है। हालांकि कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रनिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, सॉकर, मेंस ट्रेनिंग, वुमेन्स ट्रेनिंग और एक्शन स्पोर्ट्स पर ध्यान दे रही है। गूगल 1998 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो पीएचडी छात्रों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने एक सर्च इंजन कंपनी को शुरू किया, जिसका नाम गूगल रखा। यह नाम गूगल नंबर पर एक प्ले ऑन द वर्ड है, यानी एक के बाद 100। यह नाम ऑनलाइन उपलब्ध डेटा की विशाल मात्रा, मैसिव क्वांटिटी को दर्शाता है, जिसे खोजने में कंपनी यूजर्स की मदद करती है। गूगल का कॉर्पोरेट मिशन है दुनिया की जानकारी को ऑर्गेनाइज करना और उसे यूनिवर्सली एक्सेसिबल और यूजफुल बनाना। इसीलिए सबसे पहले कंपनी एक बेहतरीन सर्च इंजन बनाने पर अपना ध्यान दे रही है। गूगल सर्च इसलिए काम करता है क्योंकि यह दूसरी वेबसाइट्स पर दिए गए लाखों लिंक्स का इस्तेमाल करके यह तय करता है कि कौन सी साइट्स का कंटेंट सबसे मूल्यवान है।
स्ट्रैटेजिक बिजनेस फोकस और लगातार प्रोडक्ट इनोवेशन के जरिए यह कंपनी सर्च इंजन्स के लिए दुनिया भर के बाजार की लीडर बन गई है। गूगल अपने प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें मुफ्त में देता है, जिससे ढेरों ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स इसकी ओर आकर्षित होते हैं जो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग स्पेस चाहते हैं। इसके रेवेन्यू का लगभग 96% हिस्सा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से आता है, जिसका मतलब है कि नए एडवर्टाइजिंग स्पेस बनाना कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गूगल अपने सर्च पेजेस पर एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचता है, इसके लिए वह एडवर्ड्स नाम के एक प्रोग्राम का इस्तेमाल करता है जो स्पेसिफिक कीवर्ड से जुड़ा होता है। हजारों कंपनियां सर्च एड्स को खरीदकर एडवर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं। सर्च एड्स छोटे टेक्स्ट बेस्ड बॉक्सेस होते हैं जो रेलेवेंट सर्च रिजल्ट्स के बगल में दिखाए जाते हैं। एडवर्टाइजर्स इनके लिए तभी पैसा देते हैं जब यूजर्स उन पर क्लिक करते हैं। गूगल एक एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम भी चलाता है जिसका नाम एडसेंस है। इस प्रोग्राम से कोई भी वेबसाइट अपने कंटेंट से जुड़े टारगेटेड गूगल एड्स दिखा सकती है। वेबसाइट पब्लिशर्स तब पैसा कमाते हैं जब भी विजिटर्स इन एड्स पर क्लिक करते हैं। एडवर्टाइजर्स के लिए खास ऑनलाइन रियल एस्टेट की पेशकश के साथ ही गूगल इस तरह भी वैल्यू प्रदान करता है कि वह बिजनेसेस को कई टूल्स देता है। इससे बिजनेसेस अपने एड्स को बेहतर तरीके से टारगेट कर सकते हैं और अपनी मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए गूगल एनालिटिक्स गूगल के एडवर्टाइजर्स के लिए मुफ्त है और इससे एक कस्टम रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया जाता है कि इंटरनेट यूजर्स ने साइट को कैसे ढूंढा, कौन से एड्स उन्होंने देखे और या उन पर क्लिक किया, साइट पर उन्होंने क्या किया और कितना ट्रैफिक आया। गूगल का विस्तार और इनोवेशन। अपने डेटा का इस्तेमाल करके वेब मार्केटिंग प्रोग्राम में रियल टाइम में सुधार को सक्षम बनाने की क्षमता के साथ गूगल एक ऐसी मार्केटिंग स्टाइल का समर्थन करता है जिसमें एडवर्टाइजिंग रिसोर्सेज और बजट पर लगातार नजर रखी जा सकती है और इन्हें ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। गूगल इस तरीके को मार्केटिंग एसेट मैनेजमेंट कहता है, यह दर्शाते हुए कि एडवर्टाइजिंग को ऐसे एसेट्स की तरह मैनेज किया जाना चाहिए जैसे एक पोर्टफोलियो में किया जाता है जो कि मार्केट कंडीशंस पर निर्भर करता है। कंपनियां पहले से बनाए गए मार्केटिंग प्लान का पालन करने की बजाय अपने कैंपेन्स में इकट्ठे किए गए रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल कैंपेन की इफेक्टिवनेस को ऑप्टिमाइज करने और मार्केट के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने के लिए करती है। लॉन्च के समय से ही गूगल अपनी सर्च क्षमताओं से आगे बढ़ गया है और कई अन्य प्रोडक्ट्स एप्लीकेशंस और टूल्स बनाए हैं जिनसे कंज्यूमर्स और बिजनेसेस दोनों को फायदा होता है। प्रत्येक प्रोडक्ट का लक्ष्य है यूजर्स को ऐसी जानकारी ढूंढने में मदद करना जो उन्हें चाहिए और उन्हें पहले की तुलना में बेहतर, जल्दी और आसान तरीके से काम करने में मदद करना। आज गूगल के कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नीचे दी गई कैटेगरीज में आते हैं। वेब, वेब सर्च, आई गूगल, गूगल क्रोम, मोबाइल, मोबाइल सर्च फॉर मोबाइल, मैप्स फॉर मोबाइल, मीडिया, पिकासा, गूगल प्ले, youtube.com जिसे गूगल ने 2006 में $1.65 बिलियन में खरीदा था, जियो, अर्थ, मैप्स, होम ऑफिस, डॉक्स, जीमेल, कैलेंडर, सोशल, गूगल प्लस, ब्लॉगर, स्पेशलाइज्ड सर्च, पेटेंट्स, फाइनेंस, स्कॉलरली पेपर्स और इनोवेशन। दुनिया मोबाइल बनती जा रही है, इसलिए गूगल मोबाइल कैटेगरी में काफी दाव लगा रहा है। 2008 में गूगल ने एंड्रॉयड लॉन्च किया, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल के आईफोन से सीधा मुकाबला करने के लिए बना था। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि एंड्रॉयड मुफ्त था, ओपन सोर्स था और इसे मल्टीमिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट का समर्थन प्राप्त था। इसका मतलब था कि गूगल चाहता था कि उसके पार्टनर्स कई वर्षों तक एंड्रॉयड को बनाने और डिजाइन करने में मदद करें। इस इन्वेस्टमेंट का फायदा मिला और 2010 तक एंड्रॉयड मार्केट में नंबर एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। गूगल की सफलता और भविष्य। मोबाइल टेक्नोलॉजी में विस्तार के साथ ही गूगल जल्दी से मोबाइल एडवर्टाइजिंग का लीडर बन गया। सर्च एड्स में इसका 75% मार्केट शेयर है और लगभग सभी मोबाइल एड्स में इसका 50% मार्केट शेयर है। 2012 में गूगल ने मोबाइल डिवाइस कैटेगरी में कदम रखा जब उसने मोटोरोला को खरीदा और नेक्सस 7 लॉन्च किया, एक बेहतरीन टैबलेट जो सीधे आईपैड और किंडल से मुकाबला कर सकता था। गूगल भविष्य की तरफ देख रहा है और कंपनी आखिरी मोबाइल सॉल्यूशन, गूगल मोबाइल डिवाइसेस और साथ ही मोबाइल सर्विसेज देना चाहती है ताकि यूजर्स हर समय गूगल का इस्तेमाल कर सकें। गूगल का असली लक्ष्य है वेब पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, चाहे पीसी से या मोबाइल डिवाइसेस से।
वेब पर जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतनी ही ज्यादा एडवर्टाइजिंग गूगल बेच सकेगा। गूगल के नए प्रोडक्ट्स न सिर्फ इस लक्ष्य को पूरा करते हैं बल्कि वेब को ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी बनाते हैं। अपनी छोटी सी जिंदगी में गूगल को कंपनी और ब्रांड के रूप में काफी सफलता मिली है। शुरुआत से ही गूगल ने कॉरपोरेट दुनिया में एक अच्छी कंपनी बनने की कोशिश की है, ऐसे वर्क एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हुए जो बहुत ही अच्छा हो, एथिक्स को मानते हुए और अपने मशहूर फाउंडिंग क्रेडो का पालन करते हुए। डोंट बी ईविल, गूगल के पास इस समय को सर्चेस में यूनाइटेड स्टेट्स के 67% मार्केट शेयर है, जो माइक्रोसॉफ्ट के 17% और याहू के 15% मार्केट शेयर से बहुत ही ज्यादा है। दुनिया भर में गूगल और भी आगे निकल जाता है, उसके पास 85% मार्केट शेयर है, जबकि याहू एस का 8% और माइक्रोसॉफ्ट का 3% मार्केट शेयर है। 2013 में गूगल के रेवेन्यूज $59 बिलियन से ज्यादा थे और कंपनी को दुनिया में दूसरा सबसे पावरफुल ब्रांड माना गया, जिसकी ब्रांड वैल्यू $107 बिलियन है। 2014 में गूगल की $400 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन ने वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया और यह दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। प्रश्न: एक गूगल जैसे विविध पोर्टफोलियो के साथ कंपनी की कोर ब्रांड वैल्यूज क्या हैं? दो, गूगल के लिए आगे क्या है? क्या कंपनी को मोबाइल पर इतना ध्यान देना चाहिए?